बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सस्रेकाल हेलो एंड मैं हूं हैदर राजा हैदर राब हैं शिप के जागे हुए मुसाफिर एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूलों एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ द लव एंजल आपके दिलों को दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है ये खूबसूरत सी रात सद मोहम्मद वाले मोहम्मद हमें अता कर दी गई है सदरूद ज़रूर भेजिए अल्लाह अला मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारी ये आज की जो ट्रांसमिशन है ये वीकली हॉर्स्कोप के हिसाब से है बड़ी मुख्तर सी हम ट्रांसमिशन करेंगे जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग सब स्किप करेंगे बैक टू बैक आप लोगों की फरमाइश पे सिर्फ और सिर्फ़ स्टार्स की अपडेट देंगे जिसमें पोइट्री भी नहीं होगी ये पहले से इसलिए आपको बता रहे हैं पूरी अपडेट ताकि जो जो, जो लोग जिस जिस हिस्से को देखने वाले हैं वो लोग लो मायूस ना हों तो आज का ये पूरा प्रोग्राम जो कि बहुत मुख्तर टाइम के लिए होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रॉलोजी यानी वीकली हॉर्स्कोप के ऊपर आप देखोगे स्टार्स एक एक करके आपके सामने आते रहेंगे जैसे कि सबसे पहले आपने देखा हमारे सामने एक सितारा उबर के आया है जिसे एरीज कहते हैं एरीज के लिए जो अभी वीक शुरू होने वाला है ये एक बड़ा अहम हफ़्ता है उसकी दो वजूहत हैं इसमें सितारों की बहुत बड़े पैमाने पर पे जो तब्दीली है ये आपको जितने भी एरीज वाले हैं अपनी गिरफ्त में ले लेगा अब आपसे वही करवाए गए सितारा जो परवरदिगार ने तय किया है कि आपको इस इस तरह से मूव लेनी है यानी आपके इख्तियारत से निकल के स्ट्रॉलोजी में जो जाहिर है प्लान की कारकर्दगी है उससे आप वाकिफ हो कि कभी भी उसकी कोई भी मूव आ जाती है ब्लैक होल के इर्द गिर्द जो ट्वेल्व बड़े जुडिय आ, अलग से जो हमारे प्लानट को कंट्रोल करते हैं या जो आपके जो भी स्टार्स के प्लानेट हैं उनके ऊपर सरमायाकारी के हिसाब से रिलेशनशिप के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से कुछ नई चीज़ें सामने उभर के आई हैं तो इरीज वालों के लिए हफ्ता आपके इख्तियार में है ज़रूर लेकिन वो ट्वेंटी परसेंट है बाकी सब कुछ करेगी किस्मत तो अब किस्मत के ऊपर अगर आप लोग ही गए हो तो फिर ज़ाहिर शुरुआत जब नए चांद की होती है तो बहुत सारी जो कमरी तारीखें हैं लोग उनके हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं इसमें सबसे पहले आपने अपनी फाइनेंस को सेव करना है अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है रेज वालों कि आप हमारे साथ मिलकर थोड़ा सा बिजनेस कर लो चाहे ऑनलाइन है ग्राउंड बेसिस पे है तो इस वीक आपको होल्ड रखना पड़ेगा अगर आपको 110 परसेंट भरोसा है कि वो जो भी शख्स दोस्त हैं जानने वाले हैं कोई भी करीबी रिश्ता है या दूर का अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे तब आप रिस्क ले सकते हो लेकिन लव रिस्क लफ्ज़ रिस्क इस जगह पे भी ऐड है कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है फर्स्ट करूँ अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप लोग कर सकते हो गोल्ड में क्रिप्टो करेंसी में या ऑनलाइन ऑनलाइन जो स्टॉक्स होते हैं उस पर चाहे वो अमेजॉन है चाहे वो ईबे है किसी भी जगह पर आप अपने हिसाब से जो भी कोई ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो लेकिन ये सोलो पे है ये मैं जैसे बता रहा हूं कि अगर कोई कहता है कि हम जॉइंट वेंचर करते हैं तो उसके लिए आपको एक हफ्ता ओल्ड रखना पड़ेगा यहाँ पे बहुत सारे जो टर्निंग हैं, वह आपकी जॉब के हवाले से हैं, जो मुलाजमत पेशा हमारे बहन भाई हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो चुका है किस्मत अब ये नहीं है कि किस्मत के इख्तीयार आया तो आपको निचोड़ के रख देगी आप लेमन नहीं हो लेकिन आपको लेमन एंड शुगर का मिक्स फ्लेवर स्पीक मिलने वाला है आपके पास एक ऑपरचुनिटी होगी कि आप अगर जॉब को स्विच करने वाले हो तो आपको बहुत फ़ायदा होगा धनराशि पैसा आम, सब चीज़ें जो आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी वो Uh, कुछ ही दिनों में तकरीबन टू वीक्स के अंदर अंदर आपके इख्तियार में होंगी बहुत सारी चीज़ें नई जॉब आप लोगों को सूट करेगी लेकिन ये बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं चलेगी इसी से जुड़ी हुई कोई एक और जॉब लेकिन अट्ठारह महीने कम से कम टाइम है दौरानिया इस नई नौकरी का और उसके बाद आप अट्ठारह महीने ये मैक्सिमम टाइम है इसके अंदर ही आप खुद ही दूसरी जॉब स्विच कर जाओगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा लेकिन ये याद रखना कोई ख़तरा मोल नहीं लेना यानी जॉब को इत करने से पहले कोई भी बिजनेस खत्म करने से पहले आपको दूसरे का अमल तैयार करना पड़ेगा पूरा ग्राउंड पे आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा अगर आपका ताल्लुक मीडिया सोशल मीडिया पॉलिटिक्स से या किसी ऐसी फील्ड से है जहाँ पे आपकी शोहरत और इज्जत का आप लोग चाहते हो कि एक नाम दाम बन जाए तो आप बिल्कुल रा, राइट जगह पे हो क्योंकि इस वक्त किस्मत आपको मौके देगी नए लोगों से मिलाने के नए कॉन्ट्रैक्ट करने के कुछ ऐसा महफूज एक रास्ता निकल आएगा जाहिर है इस पूरे वीक की हम अभी तो अपडेट दे रहे हैं मंडे है या ट्यूसडे है उसको हम टच नहीं कर रहे लेकिन हम पूरे वीक का ही आपको एक मिक्सा अमल बता रहे हैं कि सितारे यहाँ पे क्या करेंगे तो महफूज तरीका है जिसमें आपका कुछ रिस्क दिखाई नहीं दे रहा लेकिन नाम जब ऊपर जाना शुरू होगा तो एनिमीज की एक्टिवेशन ऑफ वोडो भी शुरू हो जाएगी यानी जादू सिफली इल्म ये भी मारा मारी आपको होना शुरू हो जाएगी नजरबत के तीन चांसेस हैं और तीनों जो हैं वो मंडे को ही ख़त्म हो जाएंगे अब ये हैरत की बात है कि जब प्लैनेट एक्स रजियाम नाम के सितारे को टच करता है मूव करता है तो मायान कल्चर के लोग कहते हैं कि बंदी है या नहीं है आपने हिसार किया हुआ या नहीं किया हुआ वो अटैक होता ज़रूर है और वो सुबह सात बजे से शुरू होगा अच्छा मैक्सिमम जो टाइम है इसका वो शाम छः बज के पचपन मिनट यानी सात बजे सेवन पी एम पर ख़त्म हो जाएगा और ये तीनों नज़र बद के ताल्लुक़ जो है वो मंडे को ही तो इसलिए थोड़ा जो तस्बीहात मैं दूँगा उसका आपने पढ़ाई करके पानी भी दम करके पी लेना है कि वो बहुत ज़्यादा शदीद रदल ना आए लेकिन मैजिक वाला सिलसिला बिल्कुल सेपरेट है क्योंकि देखो अब आप बहुत बड़े परों के साथ बहुत बड़े आसमान पे उड़ने लगे हो और उड़ने के लिए परवर दिगार ने बहुत बड़ी एक स्पेस दे दी है आपको अब लेकिन लोगों से हजम नहीं होंगे वो लोग जो बहुत मुस्कुरा के मुबारक देने वाले खुश होने वाले लोगों की फहरिस्त में भी हैं यहाँ पे मतियाम जो बड़ा सितारा मैं हमेशा कहता हूँ कि सेवन फ्लोर्स हैं उसके उसके फाइव फ्लोर्स आपके एनिमी लिस्ट में आ रहे हैं अब हर चीज़ को या हर शख्स को आप शक की निगाह से नहीं देख सकते हो उसके लिए भी परवरदिगार के जो सिफाती नाम है ये एक सेफ साइड होती है कि जिसको आप पढ़ के अपने आप को हिसार में लेते हो अदरवाइज़ ये एक वीक की गेम है फिर चेंज हो जाएगी और अभी आपका मुजना जो है वो आम लोगों के साथ नहीं किया जाएगा आप ख़ास टॉपर की लिस्ट में आना शुरू हो जाओगे अगर आप स्टूडेंट हो तब भी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस इम्तहान में पास होने के ये इस हफ़्ते ज़रूरत से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वो लोग जो मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं उन लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए वीज़ा सबमिट करना है पेपर जमा कराने हैं कोई भी ऐसा ताल्लुक है आप लोगों के लिए आसानियाँ परवरदिगार करेगा यानी कि चाहे आप एजेंट के जरिए जा रहे हो या किसी के जरिए महफूज हाथों में होगे और आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी होगी और वो जो जिनका पाइपलाइन में सिलसिला चल रहा है कि जी हमारा जवाब आ जाए हमें कोई फ़ायदे की खबर आ जाए उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर यहाँ पे जराए दिखाई दे रहे हैं यानी खुशखबरी इसी हफ़्ते आपको मिल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है लिक्विड फॉर्म की चीज़ों का इस्तेमाल करना है और आप कोशिश कीजिएगा कि बहुत मरगन या मीट टाइप की थिंग्स जो हैं इस हफ़्ते इस्तेमाल ना करें उसे गले और बड़ी आंत की ख़राबी के चांसेस कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं एडीज़ वाले जितने भी हमारे दोस्त हैं वो लकी हैं इस वक्त लकी इसलिए हैं कि अगर अदालतों में चलने वाले मुकदमात का आप काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे तो उसका जवाब आपको मिलेगा लेकिन ये याद रखना रिलेशनशिप की जहां हम बात कर रहे हैं वहां पे बहुत मिस्टीरियस चीज़ें आ रही हैं रिलेशनशिप में कुछ हाइड एंड सीख खेला जा रहा है जाहिर है आप अगर हंड्रेड राइट right हो तो फरीक दौम जो आपका अपोजिट जेंडर है वो आपको चीट करने वाली किसी एक चीज़ से अगर गुजर रहा है तो वो एक्सपोज हो जाएगा इसी हफ्ते भैंस से के बाद सब चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी तो इसलिए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आपके बस में नहीं है फर्ज करो एनर्जी जैसे कम होना आपको महसूस होगी लेकिन अचानक ही आप काबू पा लोगे उस चीज़ पे आपको लगेगा कि बॉडी थोड़ी सी शिवरिंग कर रही है जान नहीं है जिसम में वो भी काबू पा लोगे रिलेशनशिप में एक और चीज़ है मैं आपको बताता हूँ वह है आप लोगों के तलाक वाली जो सिचुएशन है एरीज़ वालों की जो कटाई में पड़ी है लाइफ के खाविन ने छोड़ दिया मम्मी के घर भेज दिया सब कुछ कर दिया तो ये वाली चीज़ इस हफ्ते नहीं होगी और सेफ कि यानी टल जाएगी और अगर इस हफ्ते टल जाता है तो फिर महबूब या हस्बैंड या वाइफ का जो रिलेशन है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो रिश्तेदारों की तरफ से कोई एक आज़माइश या कोई एक धब्बा या इल्ज़ाम लगने के चांसेस भी हैं कोई आ जा सकता है इस पूरे वीक में आपके घर लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है किसी के इल्ज़ाम या कोई नेगेटिविटी को, को। बिकॉज ये पूरा वीक आपका स्परिचुअली बड़ा स्ट्रॉन्ग है मोहब्बत है पैसा है या हेल्थ है इसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जगह पे जाते हुए नज़र आ रहे परेशानियां खत्म हो यानी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ एक हफ़्ते के अंदर अंदर और नई जर्नी शुरू हो जाए उस तरफ इशारे हो रहे हैं वैसे आपको इस हफ्ते के लिए अगर सितारों की ज़बान से बात करें तो कदम फूंक फूंक के रखने की पेशन गोई की जा रही है ख़दशा इस चीज़ का है कि आपके नाम को कोई धप्पा लगा सकता है या आपके सिग्नेचर करके या आपकी ई मेल आई डी से या सोशल मीडिया के जो हैंडल्स होते हैं उसको मिस यूज़ करके कोई ना कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा कर्ज लेने के लिए याफ्ता बहुत अच्छा नहीं है लाइक बैंक से अगर लोन लेते हो या कुछ भी करते हो बाकी आप लोगों के रुके हुए काम बड़े तेज़ी से होना शुरू होंगे आपको मौके बहुत मिलेंगे लेकिन ये आप वाले मौके नहीं होंगे जो जो आप चाह रहे हो ये उससे हट के कुछ चीज़ें परवरदिगार की तरफ से आपके लिए आएंगी ख्वाबों का इस्तेमाल आपको राइट जगह पे पहुंचाएगा यानी जो भी ख्वाब देखोगे उसकी ताबीर का अगर पता है नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो है उदर हैदर ट हॉटमेल डॉट कॉम इस पर आके और आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए किसी के साथ तल कलामी हो सकती है नॉर्मली लास्ट जो टू डेज़ हैं सैटरडे संडे उसमें होता है तो अगर आप बर्दाश्त करोगे हॉर्न डे के पास करोगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा तो हमारे जितने भी प्यारे सबसे पहले रीज़ वाले हैं उन लोगों को हम बता देते हैं कि लव परसेंटेज 52 परसेंट रहने वाला है आप लोगों का एंगर 37% रहने वाला है आप लोगों के लिए रिलेशनशिप 76% रहने वाला है और इसके अलावा मनी है 54 जो कि बहुत सॉलिड है बुरी बिल्कुल भी नहीं है हेल्थ 79% रहने वाली है और आप लोगों के लिए जो रूहानी ताल्लुक़ है वो 16% परसेंट तक दिखाई दे रहा है इस पूरे हफ्ते में स्टडी और एजुकेशन 56% परसेंट तक दिखाई दे रही है और हमारे एरीज़ वालों के लिए किस्मत जितना साथ देगी वो है 51% आप लोगों के लिए जो भी चीजें यहां दिखाई दे रही हैं वो क्या हैं वो हैं तस्बीहात इस हफ्ते के वजीफे या कुस हो या खालिक हो ये दोनों तस्बीहें आपको पढ़नी होंगी जो कि बहुत जरूरी है की सदके में दे सकते हो राइस पके हुए या कच्ची हालत में आप दे सकते हो पुराने कपड़े अपने किसी गरीब को दे सकते हो या कैश दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है ब्लू ग्रे एंड वाइट ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं आप ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है हमारा और आपका जो ताल्लुक़ है ये आप पूरे शो में जुड़ने वाला है तो जो एरीज़ वाले हैं जो कह रहे थे कि जी हमारी बारी नहीं आती उनको हम गुड बाय कर देते हैं वेलकम करते हैं अपने प्यारे टॉर्स वालों को लेकिन यह पहले देखेंगे कि चैट करने वालों की तादाद कितनी है और आ, यहाँ क्या है जी आपको शायद याद होगा पी का एक ड्रामा था काश जिसमें आपने बूढ़े आदमी का किरदार किया था उसके बाद आपने वजन कम करने वाली हाँ जी हाँ जी हाँ जी मोहम्मद रहाम हैं तो आपके सवाल की वीडियो बनाकर जवाब दें तो मेरे लिए अच्छा होगा अच्छा ये कुछ आपने लिखा है जिन चीज़ों का एक तो बहुत शुक्रिया ए, मुझे याद रखने के लिए जिस ड्रामे की आप बात कर रहे हैं जिसमें मैं बूढ़ा बना था अस्सी साल का वो ड्रामा था आतिश आ, उसके क्लिप हैं यूट्यूब पे लेकिन पूरा सीरियल नहीं और उसके बाद एक ड्रामा था आदि धूप जो पूरा सीरियल यूट्यूब पे है लेकिन बाकी चीज़ें नहीं हैं और वो जो आप कह रहे हैं कि मैं ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान का वो पहला बंदा हूँ जिसने जो ब्रिटिश या चाइनीज़ कंटेंट होता है उसको डब करने के बाद मार्केटिंग के हवाले से वो जो कंपनीज़ थी जो मुझे मॉडल के तौर पे लेती थी तो वो मैंने इंट्रोड्यूस किया था अब तो हर टीवी पे आपको प्रोडक्ट बिकती हुई दिखाई देती उसका नाम था सोना बेल्ट जो पेट बड़े होते हैं उसको कम करने के लिए होती है एक योको हाइट थी ये बहुत पुरानी बात बता रहे जो कद लंबा करने के लिए जूते के अंदर लगाई जाती है तो सब की ये बात है इसके लिए बहुत शुक्रिया रहमान और आ, आप सबका शुक्रिया जो यहाँ पे मौजूद हैं आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ सूप चैट कर दीजिए सूप चैट बहुत ज़रूरी है और आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया मैं एक एक करके फिर सितारों को वेलकम कहता रहूँगा आप लोग मेरे साथ साथ मिले रहें जुड़े रहें टॉर्स के बारे में आपको हम बताते रहेंगे आप बारी हो गई है टॉर्स वालों की टॉर्स वालों जितने भी आप लोगों ने ख्वाब देखे ये हफ्ता उसको ताबीर के तौर पे बड़ा सॉलिडली आपके सामने लाने वाला पूरा करने वाला इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है एक तो बहुत जल्दी नहीं करना कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए किसी भी जगह जाते हुए टिकट लेना है तो कोई डेट आपने जल्दबाजी में डिसाइड नहीं करनी क्योंकि बाद में बदलनी पड़ सकती है और दूसरी चीज़ है आप लोगों के लिए ट्रस्ट वो जो ट्रस्ट वाला सिलसिला है अगर कीमती चीज़ें किसी के पास पड़ी हैं या देने वाले हो या कोई आपसे कोई कीमती अशिया मांगता है गाड़ी सेलफोन कैमरा कुछ भी तो वो नहीं देंगे आप यहाँ क्योंकि आपके प्लानट में गौर करने के ऊपर बार बार आ, आ, एक पावर आ रही है देखो दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है एक वो होता है कि राइट टाइम पर राइट फैसला जो अमूमन हम लोग बड़ा गलत करते हैं लेकिन टॉरस वाले बिल्कुल राइट टाइम पर राइट फैसला करते लेकिन होता क्या है कि फैसला आपने कर लिया टाइम भी राइट है लेकिन वो डिले में चल रहा है उसकी दो वजूहत होती हैं या तो किसी ने जादू टोना कर दिया सहर कर दिया जिसकी वजह से वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आके निकल गई या फिर आपके जो आ, इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनकी बैड वाइब्स जो स्टार की होती हैं उनका बुरा टाइम चल रहा है तो वो भी थोड़ा बहुत अटैक कर रहा होता है तो इन दोनों चीज़ों से आप ये जाहिर है जो कमिंग वीक है इससे आप सेफ रहोगे ये याद रखना कि कोई जादू या कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आ रही अखराजात ज़्यादा होंगे इस पूरे हफ्ते में इसलिए आपको अपना पूरा एक सिलसिला बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे इतने पैसे लगाने हैं और इतने नहीं लगाने चाहे घर के ऊपर लगा रहे हो सवारी के ऊपर लगा रहे हो अपने लिबास के ऊपर लगा रहे हो किसी भी फालतू की चीज़ पे उन पैसों को सेफ रखना है क्योंकि आगे अब आपको उसकी अशद ज़रूरत पड़ने वाली है जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की कामयाबी यहाँ पर दिखाई दे रही है एट्टी तक यानी बहुत अच्छा इंतजाम रहने वाला है किसी मुल्क में जाके पढ़ने चाह रहे हो कोर्स करना चाह रहे हो तो टॉर्स वालों आप लोगों को किसी की नसीब सुनने की जरूरत नहीं है टाइम बढ़िया है अच्छा है बेस्ट है आप लोग जा सकते हो और अगर कोई आ, इजाफी कोर्स होता है कि आप पढ़ चुके हो आप चाहते हो कि बाहर मुल्क जाना कोई मोबाइल फ़ोन को ठीक करने का कोर्स करना है टेलीविजन का इलेक्ट्रिक का कुछ भी तो आप वो काम भी कर सकते हो जितने भी हमारे बहन भाई एयरलाइन के बिजनेस में जाने के ख्वाहिशमंद हैं चाहे वो एयर रूस बन रहे हैं ग्राउंड बेसिस पे काम कर रहे हो या आप जितने भी रोडार पे या कहीं भी आप जाने के ख्वाहिशमंद हो ये हफ्ता आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है किसी से भी आप इंटरव्यू दोगे बात करोगे मीटिंग करोगे तो आपका ये काम हो जाएगा बैंक से रिलेटेड टीचर्स जितने भी हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट पर काम करने वाले चाहे वो फैशन डिजाइनर्स हैं ब्यूटी सैलून वाले हैं जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत पांच उंगलियां घी में डालने वाला है यानी आप लोगों के लिए काफी हद तक बेहतरी होती हुई दिखाई दे रही है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन या इंतजामات चेंज करने पड़ेंगे आपको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहां 10% पे हुआ आप जबकि आप 100 परसेंट अचीव करना चाह रहे हो इसलिए अब आपको अपना हल्का बढ़ाना पड़ेगा देखो एक बात याद रखो ये या टॉरस वाले हैं या बाकी जूडी एक्साइन वाले आजकल इस दुनिया में जो मार्केटिंग की दुनिया है मीडिया की दुनिया है इसमें जब तक आप लोग बैनर्स में नहीं होंगे ग्रुप्स में नहीं होंगे आपको कोई दूसरा जानेगा नहीं आपका काम आसान नहीं होगा आपकी प्रोडक्ट का बिकना बड़ा मुश्किल होगा आप चाहे दुनिया की बेस्ट कोई चीज़ सेल करने वाले हो खूबसूरत हो अच्छे हो किरदार अच्छा है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप तक रसाई कैसे होगी और हो जाए तो ट्रस्ट कैसे होगा इसके लिए बिल्ट करना पड़ता है आपके दूसरे लोगों के साथ ताल्लुक जिसको हम कहते हैं टाइम वेस्ट हो रहा है वो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा वो आप बिल्ट कर रहे हो अपने उस एम्पायर को जहां आपने अपनी सोच का एक मैार रखा है कि यहां तक मुझे पहुँचना तो इसलिए उसमें कोई आर नहीं होती कि नहीं ये तो हमारे कैटेगरी के लोग नहीं हैं ये तो हमारे पाए के लोग नहीं हैं सब लोग इसी तरह से आप रिस्क को कमा रहे हैं अगर आप सरकारी मुलाज़म हो तो फिर इस तरह की आप चीज़ों में जाने की आपको ज़रूरत नहीं

इसके लिए आपको स्पेसिफ़िक कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाओगे तो आप, आप बहुत नाम भी दाम भी दोनों चीज़ें कमा सकते हो वरना लौट के को आए वाली सिचुएशन हो जाएगी बुलंदियाँ दिखाई दे रही हैं यानी शोहरत के दरवाज़े खुलते हुए महसूस हो रहे हैं लेकिन बॉडी पेन जिसम दर्द इस तरह की चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं एक तो डाइट प्लान सही कर लो जो भी आप लोगों ने सोचा है अपने लिए वो दूसरे तक मुंतकिल मत करो कि आप क्या प्लान कर रहे हो क्योंकि अगर इस हफ़्ते आप ताल्लुक को मज़ीद मजबूत बनाना चाह रहे हो तो अपने सीक्रेट्स अपने तक रखने किसी दूसरे तक नहीं पहुंचाने मकान तब्दीली का अगर सोचा है तो प्लीज़ डू इट अगर आप लोग चेंज नहीं कर रहे बाय कर रहे हो सेल कर रहे हो तभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है आपके दरमियान एक खिंचाव की लाइन है रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ उस एक लाइन को डिस्कस के जरिए डायलॉग्स के जरिए आप लोगों को दूर करना अब यह जरूरी नहीं है कि आपने बस अपनी आना आ, की दस्तार सर पे पहनी है और बोलोगे अच्छा देखा जाएगा अभी इस रिश्ते को जो भी आपका मोहब्बत का है मियाँ बीवी के बीच में ये शदीद वाला माहौल इख्तियार ना कर जाए जिसमें क्विट करना पड़े ख़त्म हो जाए ब्रेकअप हो जाए तलाक हो जाए वो वाली सिचुएशन यहाँ प्लेट में पकी हुई दिखाई दे रही है इसके लिए अगर आपने थोड़ा सा भी फ़ासला रखा तो फारिग हो जाएंगे फिर मर्जियाँ आपकी नहीं चलेंगी उसकी चलेंगी और नए ट्रैक्स पे अब वो नया मूड क्या होता है किसी का वो देखा जाएगा इस हफ्ते मूड से याद आए आपका मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होने वाले हैं कभी खुशी कभी गम कभी अच्छा लगेगा कभी कम और मोहब्बत के थोड़े से फीलिंग्स आएंगे लाइफ को अगर आप लोग सीरियसली लेना चाह रहे हो कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो फिर आपको मैच करवाना है जो करंटली अभी आपके पास मौजूद हैं या फिर जो आ रहे हैं सर्द मेहरी वाले रवैयात से दूर रहने की पेशन गोई की जा रही है सौर वाले जितने हमारे टॉर्स वाले हैं आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोग कानूनी कार्रवाई करने की ख्वाहिश रखते हो तो इस हफ्ते टाल दो बेजा किसी के मामलात में आपको नहीं टाली होता है ना कि आप आपके अंदर एक पावर है कि आप सोल्यूशन दे सकते हो आप दूसरों के हल निकाल सकते हो लेकिन इस हफ्ते जबरदस्ती का आज ही नहीं बनना अपने आपने, आपने साइड पर रहना वरना सारा मलबा आप पे आ जाएगा दूसरे मुल्कों से या इमिग्रेशन से कोई एक अच्छी खबर मिल सकती है आपको कोई नाराज जो रिलेशनशिप है वो मानने की आ, उस सतह पे आ चुका है जहाँ पे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा लेकिन एक चीज़ है वो बुद्ध और जुमेरात वाले दिन हैं लेकिन वो ताल्लुक में कुछ गलत फहमियाँ पैदा करने वाले लोग आपको पता चल जाएगा और उनको भी आपने रिएक्शन नहीं देना नया काम नया धंधा बिजनेस कुछ भी इन्वॉल्वमेंट अगर किसी के साथ मिल के करना चाहो बिजनस पार्टनरशिप पर जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो और अगर इस हफ्ते आप लोग ये सोच रहे हो कि मीडिया सोशल मीडिया वाले लोगों का होना क्या है हम तो बस रूटी में उठ रहे हैं और कुछ आ, ट्रेंडिंग पे नहीं आ रहा तो आप गुफ्तु कम ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करो क्योंकि यहां पे गोल्डन मूवमेंट आपको उरूज पे ले जाने वाली चीजें बहुत ज्यादा बस एक चीज से आपको बार बार परवरदिगार की तरफ से प्लान मना कर रहे हैं और वो है गुस्सा ये खतरनाक चीज तो गुस्सा एक वैसे भी आराम है और आ, इसको पी जाना चाहिए यह वाहिद हराम चीज है जिसको पीने का हुक्म है है ना तो आप लोग पी लिया करो टर्स वालो आप लोगों को यह देखना है कि लव परसेंटेज कितनी है वो है फोर्टी थ्री परसेंट एंगर है थर्टी वन परसेंट जो ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी कंट्रोल करना पड़ेगा रिलेशनशिप सेवेंटी वन परसेंट है आपके मनी फोर्टी वन आप लोगों के लिए हेल्थ सेवेंटी थ्री 11 study and 54%, और आपका साथ दी गई फोर्टी थ्री परसेंट तस्बीहात आपके सामने उभर के आ गई हैं और एक तस्वीर या मोमिनो या रहमानों आपको पढ़नी है सदके में कम से कम बारह रोटियां ज्यादा से ज्यादा जितनी दे दो शुगर दे सकते हुआ ब्राउन या वाइट बर्ड फूड बाजरा रात का बचा हुआ खाना परिंदों को कुछ भी दे सकते हो एंड कैश भी दे सकते हो किसी को कलर ऑफ द वीक है स्काई ब्लू ग्रीन एंड पिंक ये कलर पहनोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारी बहुत सारी दुआएँ हमारे टर्स वालों के लिए हैं एंड प्लीज़ जितने भी लोग आ रहे हैं आ, उन लोगों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो ये तीन डेस्टिनेशन पे जा रहा है द गेम चेंजर सीमी हैदर हमारा दूसरा यूट्यूब पे चैनल है सीमी मैम का चैनल है वैसे ये दोनों चैनल ही उनके हैं और एक मेरा चैनल है फेसबुक पेज जिस पे इस वक्त आप ट्रा, लाइव ट्रांसलेशन के साथ इसको देख रहे हो आप अपनी भाषा का इंतख्य करो क्लिक करो और आप उसी तरह देखोगे जैसे कि लिखा हुआ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए जिन्होंने अभी तक इस शो को लाइक नहीं किया है मेरे प्यारे दोस्तों और मैं थोड़े से आपके आप मैसेजेस पढ़ने की ख्वाहिश रखता हूँ कि आप लोग वहाँ पर क्या लिख रहे हो अच्छा जी आ, भाई आपके सवालों के जवाब ईमेल के जरिए नहीं मिल सकते भाई जान आप बार बार एक ही मैसेज को लिख रहे हो उसके लिए प्राइवेट मीटिंग करनी होती है सवालों के जवाब यहाँ जो भी होता है उसके लिए क्वेश्चन आंसर का एक सेशन होता है कोई एक सवाल लिखोगे जवाब मिलेगा सब सवालों के जवाब नहीं मिल सकते ओके जी और क्या है यहाँ पे आप सबका रहो भाई शुक्रिया मैं भी शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आज हमारी ब्लू टीम में बहुत कम मेंबर्स हैं मैंने इसीलिए जल्दी शुरू किया कि ताकि आप लोगों का टाइम भी सेफ हो जाए और हे, हे जी बाइक कैसे हैं आप ठीक हैं जहनाब जाफर लेकिन बहुत शो के स्टार्ट वाली रूहानी बातें लाजमी किया कि देखें बा, 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 बहुत सारे लोगों का ख्याल रखना है आई नो कि मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है उसमें आज दो वजूहत हैं एक तो डायरेक्टली वो जो लोग कहते हैं जी सिर्फ स्टार्स का बताएं उन लोगों का बताने के लिए मैं बैठा हूँ और दूसरा मेरी तबीयत कुछ बहुत अच्छी नहीं है जिसकी वजह से मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना अगर आज का ये शो मिस हो जाता तो फिर अगले पूरे हफ्ते में आप ना देख पाते बिकॉज मेरी फिर शूटिंग्स हैं और जो मेरा नया सीरियल आ रहा है ड्रामा जाने जहाँ जो अगले महीने से इन आपकी स्क्रीनस पे आप देख पाओगे और जो लोग इंटरनेट पर देखते हैं वो लोग यूट्यूब पर देख लेंगे ए आर वाई डिजिटल पर ये नया सीरियल आ रहा है बहुत बड़ा सीरियल है जिसका ओ एस टी राहत फ़तेह अली खान साहब ने गाया वो भी अभी कुछ दिनों में आप लोग सुनना शुरू हो जाओगे इसके प्रोमोज़ टीज़र्स सब लोग आपकी स्क्रीन पर होंगे कौन कौन है उनका से भी आपको मिलवाते रहेंगे तो इसके लिए आप मेरे इस पेज को लाइक कर दो मेरा इंस्टाग्राम है आर डबल ए जे ए राजा एच ए आई डी आर हैदर इंस्टाग्राम पर भी हम आ, जो बिहाइंड दीन्स हैं उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे ठीक है तो थोड़ा गुंजाइश दे दिया करो कभी कभी क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ स्टार्स का है तो स्टार्स ही चलेंगे और बाकी आगे गपशप वाले शोज़ तो इन चलते रहेंगे अब आते हैं उन सितारों की तरफ जिनकी काफ़ी देर से जिनको तमन्ना थी थार्स वालों बाय बाय कर रहे हैं हम आपको और अब लेकर आ रहे हैं हम यानी चूज़ों को और ये चूज़ें जो हैं ये बड़े अरसे से बेताब हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा बाकी मैसेजेस में थोड़ी देर के बाद आपके पढूंगा क्योंकि यहाँ स्टार्स हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब और स्टार्स अगर हो जाएँ तो फिर पीछे रह ही क्या जाएगा ठीक है चलो तो अब आपको बता रहे हैं जमनाए वालों के ये पूरे वीक में वैसे अगर एक लफ्ज में हम बताएं कि मरकरी कितनी टर्न्स ले रहा है तो वो पांच डिफरेंट नोयत की तब्दीलियां लेकर आ रहा है अच्छा है कि बुरा है अच्छा है शुरू में ही वो जो एक लुबे लुबाव होता है अक्सर यूट्यूब पे वीडियोस आ रही होती है ना जो थम नेल पर लिखा होता है वो या तो बिल्कुल आखिर पर डाला होता है या वो होता ही नहीं तो हमने कहा उसका हासिल गज़ल पहले ही बता दें कि हफ़्ता बहुत अच्छा है लेकिन उसमें किन किन चीज़ों पर आपको एहतियात करनी है अब उसकी तरफ आते हैं सबसे पहले एहतियात करनी है इन्वेस्टमेंट पर अगर आप किसी के साथ पैसा लगाने की कोशिश कर रहे हो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो तो इस हफ्ते होल्ड रख लो क्रिप्टो करेंसी में भी 32 परसेंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और ये भी लॉन्ग टर्म साल से ज़्यादा अगर आप लगा रहे हो जैसे कि आजकल आप देख रहे हो बिटकॉइन ऊपर नीचे आ रहा है कभी 35, फाइव तक चला गया इथेरियम जो है वो भी इक्कीस सौ को गया फिर नीचे आया चीठा जो है वो भी वन डॉलर पे दोबारा से आ रहा है जो 13 पे था वो नीचे चला गया था तो माइनस ता तो में अब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी और दूसरा है आपका ट्रेवल प्लान ट्रैवल प्लान जहीं भी जहां भी आपने अगर सोचा है कि जी मुझे कहीं जाना एक तो वजह मजबूरी है उसमें कुछ नहीं किया जा सकता उसमें आपने ये जो सदकत हैं आपके ये देने तस्बीहात पढ़नी और करना और एक है आपके हाथ में है कम्फर्ट जोन आपने बनाना है क्योंकि मुझे जाना है ये नहीं जाना तो नहीं जाना है ज़बरदस्ती वाला काम नहीं हाँ ये उन लोगों के लिए जो मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश है शहर के अंदर ये शहर से बाहर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माली लेन देन का सिलसिला होता है बिज़नेस का होता है जॉब का होता है तो आप लोग ये काम कर सकते हो ये याद रखना कि नई आ, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अब इन हो रही हैं मर करी ये चीज बता रहा है कि पैदावार है रिस्क यानी दौलत ज़्यादा होने वाली है आपको मुख्तलिफ़ सोर्स से आते हुए हम देख रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है और क्या हो रहा है आप लोगों की एक बड़ी तब्दीली आप सोर्स ऑफ इनकम का चेंज होना है अच्छा ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी काफ़ी अर्से से मुतलाशी थे कि हमारी तब्दीली आ जाए लाइफ में और हम लोग उस तरफ जाएँ जहाँ कुछ हमारे कंफर्ट ज़ोन वाला बिजनेस है तो आप लोग कर सकते हैं नई राहें आ, मिलेंगी नए लोग मिलेंगे ऑप्शंस मिलेंगे और नए रिलेशनशिप भी मिलेगा यहाँ दो तरह की चीज़ें एक तो जिनका जो रिलेशन चल रहा है वो किताब बंद करके आप लोग खुद पैकअप कर सकते हो मतलब ये कुदरत की तरफ से नहीं होगा लेकिन आप चाहते हो कि ये बंद हो जाए तो वो बंद हो सकता है और दूसरा रिलेशन शुरू होना है डेफिनेटली होना है लेकिन वो तूल पकड़ेगा वो कब होना है उसमें जल्दबाजी आप नहीं कर सकते हो एजुकेशन या एग्ज़ाम देने वाले लोग जो हैं उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है लेकिन याददाश्त बूस्ट कर रही है इसलिए सिर्फ फैज़ियाब याब हो जाओ तो ज़्यादा बेहतर है आप लोगों को अच्छे तरीके से अगर को कोर्स करना है नई राहें ढूँढनी है कि जी हमें ये ये काम करना है सब्जेक्ट चेंज करने हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज चेंज करना है तो फिर राइट डायरेक्शन पे हो ये पूरा वीक आपको बहुत दूर लेकर जाएगा एक और बात आपको हम बता दें कि यहाँ थोड़ी सी आ, मिजाज की तब्दीली लोगों को महसूस होगी इस हफ़्ते के क्या हुआ आप बुझे बुझे क्यों आप चुप चुप क्यों हूँ मूड क्यों स्विंग कर रहे हैं परवाह करने की ज़रूरत नहीं है ये जो प्लानट है मरकरी को एक ऐसे स्टार में लेगा जहाँ पर आपके अंदर से तटहरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अगर आप थोड़ा सा भी मराकबा करने वाले हो को वज़ाइफ पढ़ने वाले हो फोकस करने वाले हो रब के साथ तो आप लोगों के ख़्यालत में भी तब्दीली आएगी और बॉडी में भी तब्दीली आएगी इसलिए लोगों के कहने पर अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है कुछ बड़े फैसले जमानाए वाले इस हफ्ते कर देंगे जो आप चेंज करना चाहो राइट टाइम है बहुत अच्छा टाइम है मकान या घर को बदलना चाहो तो बहुत अच्छा टाइम है राइट टाइम है आप लोग कर सकते हो तालुकात थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे उन लोगों के साथ जिनके साथ काफ़ी अर्से से हल्की फुल्की नोक झुक चल रही थी या मोहब्बत नहीं थी या बीच में एरर आ रहा था तो ये एरर ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा जाहिर है जितने भी जमुना है वाले हैं वो हमेशा नहीं चाहते कि कोई उनसे नाराज रहे हाँ एंगर बहुत ज़्यादा खत वो होता है कि आता दूध के झाग की तरह है लेकिन जाता भी उसी तरह है बिकॉज आपके अंदर का जो एक सुर है ना वो हकीकी सुर के साथ जाके मिल रहा होता है तो आप किसी की दिल आज़ारी कर नहीं सकते हो हाँ कभी कभी वो दिल पत्थर वाला भी हो जाता है लेकिन वो क्यों होता है वाहिर सामने वाले के भरोसे तोड़ने की वजह से खुद एतमादी जब टूटती है या आप बिखरते हो दुखी होते हो तो, तो तब आप ये कर सकते हो औलाद के कंसीव करने के लिए ये पूरा हफ्ता हाँ हमारी बहनों के लिए बहुत ज़बरदस्त है मोहब्बत की शादी वालों के लिए लव मैरिज़ वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है ख़ामियाँ कोई सामने लेकर आएगा आपकी जो कि आपको बुरा लग जाएगा नागवार गुजरेगा घर का माहौल ख़राब हो सकता है किसी एक बात और बहस को लेकर इसलिए आपको हमत से काम लेना होगा देखो आप लोग सब कुछ हो थोड़ी डिप्लोमेसी लेकर आओ जिसे लोग कहते हैं ये तो मुनाफे को तो तो मुनाफे का तलाक चीज है डिप्लोमेसी पूरी दुनिया की जो कारोबार है पार्लियामेंट हैं अलेक्शन होते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जितने भी मेंबर्स होते हैं ये क्या करते हैं डिप्लोमेसी आप लोगों को थोड़ा सा चुनना है अपने दोस्तों और दुश्मनों की फहरिस्त में से हिट लोगों आप लोगों को उनके साथ जुड़ना ये जो एक वजूद के अंदर दिमाग को बीमारी धीरे धीरे खा रही है ना यह आपके अंदर एक अजीब सा वायरस पैदा कर रही है आप लोग मायूसी की तरफ जा रहे हो वो नहीं होना है क्योंकि आपकी अभी जो एक बूस्ट आने वाली है जमेनाए वालों आपकी सोच से ज्यादा है बाकी जोड़ी एक साइन वाले मुंह में उंगलियां पकड़ के बैठ जाएंगे भाई ये कैसे हुआ इनकी लॉटरी लॉटरी से मुराद ये नहीं कि फिजिकल कोई लॉटरी निकल आएगी जो आप चाह रहे हो वो दूसरे लोग वेटिंग लिस्ट पर होंगे और आपके सारे काम हो जाएंगे शादी ब्याह के मामला को लेना है अगर आपने तो ये भी जल्दी अब आपको कोई डेट फाइनल करनी पड़ेगी अगर आप लोगों ने डन कर लिया और खाने पीने मैं थोड़ी सी एहतियात करनी होगी से आपको परहेज करना होगा बुध और जुमेरात दो दिन बिगड़े हुए जो काम हैं वो आपके होते हुए नजर आ रहे हैं और जो गेम ऑफ पेपर है यानी कोई भी एक पेपर का इंतजार है तो वो हमारे जमनाए वाले लोगों के लिए सामने सामने दिखाई दे रहा है तो हालात मिले जुले हैं बस ये याद रखना कि जमीन जायदाद बेचनी है खरीदनी है या गाड़ी खरीदनी है बेचनी है इसका ख्याल रखना पड़ेगा ये ना हो कि कोई आपको दोनों हाथों से ले ले और बेवकूफ़ बना दे ठीक है जमाना वालों तो आप लोगों के लिए हफ्ते जो खास चीज़ है वो है लव लव परसेंटेज है फिफ्टी जो कि बड़ी स्ट्रांग होती है एंगर रहेगा सत्ताईस जो कि अच्छा नहीं है रिलेशनशिप 88 परसेंट है मनी सिक्सटी सेवन हेल्थ एटी नाइन परसेंट रहने वाली है आप लोगों की रूहानियत अट्ठारह परसेंट है ठीक है लेकिन ज्यादा हो सकती है स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी सिक्स लक फिफ्टी नाइन परसेंट है और आप लोगों के लिए जो तस्बीहात हैं वो हैं या जब हो आ, या अलीम हो दूध सदके में दे सकते हो और आटा दे सकते हो आप सदके में हसब तोफ़ीक दाल मूंग जो है वो वन कोकालत में किसी भी गरीब को आप दे देना वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और कैश में भी अगर सदका देना चाहो दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है ब्लैक रेड एंड ग्रे ये वो कलर हैं जो आपको बहुत सूट करते हैं तो जमुनाए वालों हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं आपके बाद कौन आने वाला है आ, उसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं लेकिन पहले आपको ये बता दें कि जिस जिसने अभी तक चैट नहीं की है डोनेशन नहीं दी है वो चैट दे सकते हैं डोनेशन दे सकते हैं ताकि हम लोग आपके साथ जुड़ जाए और आप अल्लाह के हाथ तो बन जाओ हमारे साथ एक और आवाज़ है किसकी है मालूम नहीं आप खुद गेस कीजिए हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल है जी सबके ठीक ठाक है मज़े में वन फिट दुआ गोहें के अल्लाह आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों के सय में रखे खुश रहें सलामत रहें आबाद रहें अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे अगर मुश्किलों में फंसे हुए हैं इस वक्त तो अल्लाह ताला आसानियां करे सब के लिए जी और सबसे बढ़ के जी अल्लाह ताला हास्दी से बुरा चाहने वालों से बुरा करने वालों से बचा के रखे शैतान की चालें चलने वालों से बचाए और अल्लाह ताला उन सबको अपनी डाले ताकि वो मेरी और आपकी भूल जाए आमीन सुमाम और जी राजा साहब क्यों बुला रहे थे मैं काम कर रही थी मैम किधर तो है, है, है आटा गून के आई हूँ तो और क्या ओ... बताऊ आपको पहले तो हाँ, पहली <laughs> अच्छा जी थैंक यू सो मच आप सबका बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा लगता है कि अब आप हर स्टार वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं बहुत सारी दुआएं देते हैं सपोर्ट करते हैं अप्रिशिएट करते हैं हाय शर्मा थैंक यू थैंक यू पहले तो ये होता थीज़ी। था कि सिर्फ आप हैदर के लिए अच्छे मैसेज लिखते थे अप्रिशिएट करते थे लेकिन अब आप, आप मेरे लिए भी बहुत सारी दुआएं लिखते हैं प्यार लिखते हैं तो दिल से बहुत सारा शुक्रिया जजाक अल्लाह अल्लाह ताला आप सबको इसका अजर दे खुश रहें और इसी तरह आप अच्छा बोलने वालों में शामिल रहें और मैंने तो हैदर को ये भी कहा कि एक दिन हम सिर्फ और सिर्फ यही वीडियो बनाए कि जिसमें हम आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ा करें ऐसा ही है। जो आप लिखते हैं अच्छा सबसे बढ़ के आपको पता है हमारी एक टीम मेंबर हैं जो एस्ट्रोनॉट वो गई हुई थी जी उम्र अदा करने और पहले तो उनको मुबारक और फिर दूसरा सबसे बढ़ के ये कितना अच्छा लगा कि वो जब गई है खाना काबा के सामने जहाँ पर आप अर्जी डालते हैं दुआ करते हैं और उन्होंने हम तीनों का नाम लिख के और हमारे लिए दुआ की है यकीन माने कि मोहब्बत से खलूस से प्यार से आंसू आ, आ गए और इतनी खुशी हुई इतना अच्छा लगा और फिर हमने यही सोचा कि वो जो एक दो चार लोग आते हैं कुछ बुरा लिख जाते हैं कुछ भौंक के चले जाते हैं हम उनकी परवाह क्यों करें जब इतनी दुआएं देने वाले प्यार करने वाले आप सब हैं आप सब जितने लोग इस वक्त हैं आप सब हमसे मोहब्बत करने वाले हैं प्यार करने वाले हैं तो थैंक यू आसमान खुश रहो और अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत सारी खुशियां लेकर आए और बाकी सबका भी जी दिल से बहुत सारा शुक्रिया है बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से भी और ये बड़ी सादत की बात होती है कि मा जाके आप किसी को याद रखते हो और।, और सिर्फ एस्ट्रोनॉट नहीं है अदा करने जा, जा रही हैं और वो कहती हैं या बहुत सारे लोग जो जरा उमरा हज अदा करते हैं और हमारे लिए खास दुआएं करते दौाँग हैं, हैं। नमाज अदा हैं। करते हैं हमारे लिए हमें दुआओं में याद रखते हैं सुबह जागते हैं और उठते ही हमें सलाम करते हैं हमारा हाल पूछते हैं अप्रिशिएट करते हैं प्यार मोहब्बत भेजते हैं तो आप सब और मैं हमेशा यही कहती हूँ पॉजिटिव सोचा करें जो आपको अच्छा दुनिया में अगर एक भी अच्छा कहने वाला है ना एक भी मोहब्बत करने वाला है एक भी खलूस वाला बंदा आपको मिलता है ना आप बहुत लकी है तो कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर दो चार लोगों ने बुरा कह दिया गाली दे दी बकवास कर दिया तो तो लोग पिटते रहते हैं तो उनको लानत भेज दिया करें बस जैसे यजीद पे भेजते हैं जैसे आप शैतान पे भेजते हैं इसी तरह मरदूतों पे भी आप लानत भेजिए और जिंदगी में आगे बढ़े खुश रहे और ये जो तो करने जमा पाकिस्तान में इलेक्शन करें अच्छा जी और एक और के दुबई में और शारजा में कल जो बारिश हुई है पूरी रात होती रही और दिन तक भी उसकी वजह से यहाँ पर सैलाब की सी कैफियत है बहुत लोगों का नुकसान हुआ है हालात बहुत ख़राब हैं और यहाँ पर लोग जो है वो घरों में फंसे हुए हैं बाहर नहीं निकल पा रहे तो प्लीज़ उन सबको भी अपनी दुआ में याद रखें खासतौर तो पर जो निचला तबका है जो मजदूरी के लिए लोग आए होते हैं ए, उनके हालात यहाँ पर काफी ज्यादा खराब है यहाँ की गवर्नमेंट वैसे सपोर्ट करती है उसी वक्त जो है वो पुलिस हाँ, पहुंच पुल हाँ, जाती है होता है लेकिन फिर भी इस वक्त लोग जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम में है तो प्लीज उनको भी तो हमें जरूर याद रखा करें ठीक हो गया और बाकी शो जारी रखें जी आप अपना और हमने देख लें आज आपकी बात सुन ली और हमने छोटा सा मुख्त सा शो किया है थोड़ी नाराजगी भी है और नाराजगी क्यों है कि इतनी मेहनत से हैदर ने आपके लिए दुबई मॉल का व्लॉग बनाया और इतनी मेहनत से एक और कौन सा व्लॉग बनाया था एक और भी बनाया था ना यूके का यूके वो जो आपने ग्लासगो का बनाया था वो भी बनाया आप लोग देखना पसंद ही नहीं करते ना वहाँ जाते हैं व्यू देते हैं ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं तो फिर हमने सोचा आज मुख्तसर सा शो करते हैं जरा अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे अब अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो सारे जाके वो ब्लॉग देखे और व्यू दे कर आए लाइक करके आए ठीक है और मैं जा रही हूँ जी और शायद दोबारा आऊ शो के तक और शायद ना भी आऊ मेरी मर्जी ठीक है तो खुश जी मुस्कुराते रहा करें यकीन करें यकीन फेस वैल्यू बढ़ती है अभी हूं, मैं हमेशा कहती अगर अच्छी नहीं लगती मेरी शक्ल पसंद नहीं है मेरी बातें पसंद नहीं है मैं पसंद नहीं हूं आ, तो प्लीज प्लीज जाए किसी अच्छे को देखें जो आपको पसंद हो जिसकी बातें अच्छी लगती हो जिसकी शक्ल पसंद हो क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी जहनीस सेहत सेहत और जिस्मानी से है। है yes. तो तो मैं नहीं चाहती कि आप आप बीमार परेशान तो जाके अच्छे-अच्छे चैनल देखा करें। ठीक तो जो जो वालों का नाम दिखाई दे रहा होगा कि वो आ चुके हैं अब जो जो आप लोगों में से सरतान है कैंसर है वो सरतान के चलेगा इस हफ्ते या नहीं देखो पहली चीज आपको हम ये बता रहे हैं कि ये जितने भी सरतान वाले हैं आप लोगों के लिए एक नई हवा शुरू हो जाएगी जितनी भी गैलेक्सी है ब्लैक होल से कुछ पॉजिटिव एनर्जीज निकल रही हैं जो आप लोगों के इर्द गिर्द के लोगों को भी आपका गर्विदा बना देंगी इस हफ्ते कुछ चीजों का ख्याल रखना है ओवर बजट अगर आप कोई चीज लेना चाह रहे हो लाइक एक, एक सेलफोन है और आप कह रहे हो कि शो ऑफ के लिए कोई बड़ा लेना है तो मत लेना गाड़ी अगर गुजारा हो रहा है तो इस हफ्ते मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी नहीं लेनी नेक्स्ट वीक में क्या मून एंड सन और ये सारी चीजों की क्या हिमत अमली होती है लेकिन प्लानट चेंज हो रहे हैं इस वजह से अल्लाह काफ़ी ज्यादा बेहतरी करेगा देखो एक आसमान ये जो हम जिस आसमान के नीचे रह रहे हैं ये पहला आसमान है ये सब अच्छी तरह से जानते हैं इसके ऊपर छह आसमान और हैं लेकिन अगर आप ऊपर जाते हो थोड़ा सा जूमआउट करते हो कि इस दुनिया में है क्या तो कंसेरियन वाले अगर अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम आ, हकीर हैं हम बेकार हैं तो पूरी कायनात ही बेकार है ये पूरी दुनिया की अगर बात करोगे तो एक नुक्ता नजर आएगा जब आप मरकरी के करीब होते हो या आप जुपिटर के पास जाते हो तो ये आहिस्त सिर्फ एक डॉट चमक रहा होता है जैसे अभी यहाँ से सितारों को आप चमकता हुआ देख रहे हो ये तो फिर भी बड़े नजर आते हैं वो बहुत छोटा सा नुकता नज़र आता है और फिर पीछे जाते जाओ फिर एक स्टार फिर कैकशाएँ फिर धूमदार सितारे और ये सब कुछ बहुत सारे जो मौला अली के दौर में जो साहब थे उन्होंने कहा था कि मौला आप ये कह रहे हैं कि ये आसमान है इसके ऊपर छः आसमान हो रहे हैं और ये कितनी है इसका रकबा कितना बड़ा अब ज़ाहिर उस वक्त अक़ल के अंधे बहुत होते थे उनको आप पैमाना ऐसा नहीं समझा सकते थे तो कहा कि ये जो सहराए आज़म देखा है ना तुमने सहरा आजम दुनिया में सबसे बड़ा सहरा है जो आपकी हद निगाह तक जहां तक दिखाई दे रहा है बस वो एंड है उसके आगे आप आपको लगेगा ही नहीं मतलब इधर इधर राइट लेफ्ट सिर्फ सहरा है डेज जो है रेत है बस उसमें कुछ दिखाई नहीं देता उसमें आप एक छोटा सा क्वाइन रख दो कहां रखा है कुछ पता नहीं तो फरमाया कि ये जो आसमान है ये एक सिक्का है उन आसमानों की निस्बत वो जो आसमान है उनके हिसाब से हमारा आसमान सहरा में पड़ा हुआ एक सिक्का है ये जो एक नुकते बिच गल मुकदी है ये कायनात की हम बात कर रहे हैं वो ये आसमान की बात की है मैंने आपको बताया कितना कुछ बड़ा होगा दुमदार सितारे में ला लो गो ब्लैक होल में ला लो इसका एंड आज तक हो ही नहीं सका सितारों से आगे जहां और भी हैं ये पूरी कायनात को मिला के एक आसमान बनता और वो आसमान सिर्फ एक क्वाइन है तो नुकता हम तो वैल्यू ही नहीं है ना हमारे अब क्या है कि जब आपको लग रहा वैल्यू नहीं है लेकिन आप एक्टिव हो आप एक सिम हो आपके रूह में जो एक आ, पिलर सा लगा है वो आपको दिखाई नहीं देता उसके अंदर से जो भी वाइव पॉजिटिव या नेगेटिव निकलती हैं उसका कंट्रोलर जो है ना मेन कंट्रोलर वो लोहे महफूज में है वहाँ पे आपकी सांसें आपकी नींद आपका जिंदा रहना या खत्म होना हर चीज़ लिखा है तो कंसरियन जब आप ये इतनी बड़ी बात आपके लिए क्यों की है मायूसी ये जो कहीं-कहीं दिखाई दे रही है वेटिंग प्रोसेस की वजह से ये कुछ भी नहीं है या आपके लिए अभी जो एक नया दौर शुरू होने वाला है या प्लान करो मंसूबे बनाओ तो फिर आप देखोगे कहां तक जाओगे पहली चीज लक्ष्मी आपके घर में मेहरबान है, है कि नहीं है आप किसी भी धर्म से हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे सोर्स ऑफ इनकम आप कौन सा काम करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है बस ब्रेन को पॉजिटिव रखना है क्योंकि एनर्जी सारी जो आती है ना बाजू का तो होता है कि घर बंद था जी हम तो गए थे घर बंद था हम वापस आ गए घर कौन सा बंद है आपका दिमाग अगर वो बंद है तो पॉजिटिव एनर्जीज भी आके निकल जाएंगी कि घर ही बंद है गुफ्तु कीजिए ये फितरत इंसान है शकीब जाले लग जाते हैं जब बंद मका होता है तो जब हमारा दिमाग बंद है तो जाले ही लगेंगे ना इसलिए गुफ्तगु किससे से रब से सबसे करने की जरूरत भी नहीं है लेकिन जाहिर है आजकल के दौर में कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है गुफ्तु तो आप अपना हिस्सा जरूर डाल सकते हैं मीडिया सोशल मीडिया पॉलिटिक्स या किसी भी ऐसी फील्ड में जहां पे नेम एंड फेम की गेम समझी जाती है कि आपका नाम भी हो और दाम भी आए उसमें इस हफ़्ते आपको काफ़ी सक्सेस दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स जितने भी हैं कैंसर वाले उन लोगों को काफ़ी फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं उन लोगों के इम्तान में कामयाबियाँ किसी मुल्क यहाँ किसी एक जगह पे जाके ठहर जाना वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल हो जाना ये इस हफ़्ते का हाईलाइट है इस हफ्ते नज़रबंद लग सकती है वो थर्सडे को लगेगी बैड आई आपके इर्द गिर्द मंडलाएगी और वो किस वजह से लगेगी हाँ से दीन की वजह से या फिर आप बहुत हसीन हो अच्छे लग रहे हो टैलेंटेड हो उस वजह से भी लग सकती है कोई भी मंसूबा या प्लानिंग जो भी करने वाले हो किसी से शेयर नहीं करनी टिल फ्राइडे मंडे से फ्राइडे के बीच में फ्राइडे तक आपको नहीं करनी फ्राइडे इवनिंग फोर ओ क्लॉक के बाद अगर कोई पूछे तो आप कर सकते हो मकान खरीदना है या बेचना है फायदा रहेगा क्रिप्टो करेंसी एंड गोल्ड सेल एंड बाय दोनों में फायदा रहेगा दिल का मामला थोड़ा सा खतरनाक दिखाई दे रहा है यानी जो लोग दिल की लगी वाले हैं या दिल लगी वाले हैं वो छट जाएंगे आपके रिलेशनशिप टूटते फूटते इसलिए नज़र आ रहे हैं कि जहां भी कहीं ख़राबी या नाजुक मजाज लोग आपके साथ जुड़े हैं जो आपको चीट कर रहे हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे और बहुत बहुत ख़त्म हो जाएंगे सो कैंसेरियन इस चीज़ को पॉजिटिव लेना नेगेटिव नहीं लेना वो हमारी मोहब्बत हमने तो दो साल लगा दिए अभी कुछ दिन पहले एक कैंसेरियन हमारी बहन है फ्रांस में रहती हैं उन्होंने कहा कि मैंने जी 11 साल से एक बंदे से मैंने मोहब्बत की और 11 साल हम लोगों ने निचोड़ दिया मतलब वो वो बंदी पाकिस्तान आती थी जाहिर है यूरोपियन पासपोर्ट है तो आपके लिए आना जाना इजी है बंदे के पास पासपोर्ट नहीं 11 साल उन्होंने इश्क किया 11 साल तक उनको ये पता ही नहीं कितनी मीटिंग्स हुई होंगी उन लोगों की उस बंदे के साथ जो कि चकवाल से जो भाई हैं हमारे जिनका ताल्लुक था उन्होंने कहा ग्यारह साल बाद पता चला कि उसकी आठ साल पहले शादी भी हुई दो बेटियां भी हैं उसकी अब फिर उसकी बेगम प्रेग्नेंट है कह रही है मुझे उस ग्यारह साल में वो कवरा ही मिला माता अम्मी नहीं मानती अबू नहीं मानते टाइप का एक काम चल रहा है और 11 साल से वो, वो अपना सारा मालूम मता भी उस पर लुटा रही हैं वो लाडले भी बने हुए हैं थोड़ी सी अल्लाह अच्छी शक्ल दे दे या हैंडसम हो जाए ना तो नखरे भी बड़े हो कुड़िया देने आपके तो बाहू हमारी तो बेड़ ऐसी हम तो रणधीर कपूर लग रहे हैं ओह भाई साहब आप कपूरे भी नहीं लगते हो अगर आप अपने आप को हकीकत में देख लो कि आपके अंदर कितनी गलाजत है खैर वो हमारी बहन को कैसे पता चला कि वो किसी दोस्त ने उस बंदे से उधार मांग लिया तो उसने आगे से कहा कि मैं नहीं देता उसने कहा अच्छा वो तेरी असलियत में मतलब। दर्ज तो बात तो ही जाती थी नंबर वंबर कहीं एक्सचेंज हुआ होगा तो उसने विद पिक्चर्स वो सब कुछ बता दिया और उसने कहा कि ग्यारह साल मैंने ज़िंदगी के ज़ाया कर दी है मुझे, मुझे रोना भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ तो पहले तो आ, आ, हमारी वो जो कैंसर वाली बहन है आ, उनके लिए रिश्ते का इंतज़ाम हो गया बहुत अच्छा हुआ जाहिर है मैं मैं खुद बहुत सारे फैमिलीज़ को जानता हूँ मैं बता देता हूँ कि ये ये लोग इनमें से किसी के साथ करना चाहो तो वो उनका निकाह खैर वाफियत हो गया लेकिन बड़ा क्विकली रिस्पॉन्स आया कहने का मतलब क्या है कि जब भी ज़िंदगी में आप मोहब्बत का ये वो कर रहे होते हो खेल खेलते हो ये खेल है बेसिकली इसमें किसी एक ने जीतना है एक ने हारना है वो बड़े कम लकी होते हैं कि दोनों के हाथ रेफरी ऊपर कर देगा कि ये मैच बराबर का रहा इश्क में इस तरह की मर्जियां अगर आप चाहोगे तो अर्जियां देनी पड़ेंगी ऊपर कि परवर देगा मेरे लिए कोई नेक वसीला बनाना वरना क्यों तलाक की शराब दुनिया में बढ़ती जा रही है और उसमें चार जोडिय साइंस सबसे हाई आपको पता है जिनकी तलाक धपत अप होती है वो डे वन से होती है किनकी होती है जैमना एक बहुत ज्यादा होती है लिब्रास की बहुत ज़्यादा हो रही है सजिटेरियस की बहुत ज़्यादा हो रही है और असद वालों की बहुत हो रही है अब किन्सेरियन बीच में क्यों आया भाई सरतान वाले तो बड़े रिश्ते निभाने वाले होते हैं लेकिन जहाँ आपको दूसरे लोग इधर उधर से टच कर रहे हैं पागल बना रहे हैं अगर इस पूरे वीक में को मुकदमा उकदमा करना है तो थोड़ा सा वेट कर लेना परेशानियां नहीं हैं आपकी खूबियां ही खूबियां सरतान वालों यहां पे दिखाई दे रही हैं मेरे हिसाब से ये हफ़्ता आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीक है मकान की तब्दीली या जगह की तब्दीली वो भी बहुत बेहतर रहने वाली है थोड़ा सा हार्ड टाइम होगा चाहे आप मुल्क बदल रहे हो या शहर बदल रहे हो वगैरह बदल रहे हो समाजी तौर तो पर आपकी हैसियत थोड़ी सी बन जाएगी उलझे हुए मामला चाहे वो बैंक के हैं अदालतों के हैं फैमिली के हैं वो सुलझ जाएंगे बच्चों के हवाले से कोई एक खुशखबरी मिल सकती है और कोई गुमशुदा चीज़ मिल जाए किसी एक लेटर का इंतज़ार था वो मिल जाए और ये खुशखबरी मिल जाए ये उस हिसाब से भी ये हफ्ता पूरा बड़ा अहम है लेकिन किसी के घर आना जाना कमी रखना बहुत ज़्यादा मेल मिलाप एक तो है ना जॉब ऐसी है कि आपको मिलना पड़ता है वो ठीक है लेकिन एक होता है कि कोई ख़ास आपको इन्वाइट कर रहा है और ख़ास तौर पर अगर वो मंडे टू फ्राइडे में कर रहा तो बहाना मार देना फ्राइडे वही मैंने जैसे बताया कि वो अगर आपको जाना पड़े फोर ओ क्लॉक सिक्स ओ के बाद आप जा सकते हैं गुफ्तु आपकी आपको बड़ा फायदा देगी सरमाकारी भी आपको बहुत फायदा देगी लिक्विड चीजों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करना होगा आपको और आप जितना जल्दी हो किन चीजों से एलर्जी है आप लोगों को अपने डॉक्टर अपने तबीब से रखता करना पड़ेगा ताकि आप अपना ये काम कर लो वैसे तो इस हफ्ते डेंटिस्ट और आई साइड वाले जो मामला हैं वो ज्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं लेकिन किन्सेरियन फिक्र करने की जरूरत नहीं है स्क्रीन पर देखो लव कितना बस ये जहन में रखो लव है फोर्टी क्यों हुआ कम आप खुद देख लो एंगर एंग एट रिलेशनशिप सेवेंटी टू मनी फोर्टी वन आप लोगों के लिए हेल्थ एटी वन अच्छा है बुरी नहीं है हेल्थ रूहानियत स्पिरिचुअलिटी थर्टीन परसेंट है जितना भी है आपका सिलसिला वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी टू परसेंट इन वालों के लिए और लक आपका साथ दे रही है फोर्टी नाइन परसेंट मेरे प्यारो घबराने की ज़रूरत नहीं है किन्सीरियन तस्वीरियात हैं ये जब आप पढ़ोगे स्पेशली हील हो जाएगा सब या मुशविर हो या बात तो या अलग अलग दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी हैं आप लोग एक दर्जन अंडे किसी भी गरीब को दे देना दान कर सकते हो तीन लोगों को खाना खिला सकते हो सूजी कच्ची या सूजी का हलवा बना के किसी को दान कर सकते हो और कैश भी दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है पिंक ब्राउन एंड वाइट ये पहनोगे तो बहुत हो जाएगा सब कुछ राइट right, तो बहुत शुक्रिया शेरों को बुला रहे शेर आया शेर आया शेर आया <laughs> आपके जख्मों में थोड़ा सा नमक तो छिड़कना बन था बहुत हाँ, सुपर चैट वाले किधर हैं सो रहे हैं क्या हम जल्दी आए हैं तो पूरी दुनिया सो रही है हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया बदमाश होगी लेकिन चलो हमारी ये वीडियो यह, यहाँ रहेगी बाद में भी आप देख सकते हो आलू कीमा और गरम गरम फुलके उल्टे तवे के जिस जिस ने खाने आ जाए लाइव खा सकता था तो लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मुझे ही नहीं बुला रही कह रही है आलू कीमा और गरम गरम उल्टे तवे के फुलके कौन कौन खाएगा मैंने कहा मैं खास लेता लेकिन मैंने घास भी नहीं डाली फुलका तो बहुत दूर की बात है मुझे हल्का भी नहीं लिया तो फुलका तो फुलका ही है भाई ओके ऐसी हालत में शो करना ज़रा मुश्किल होता है जब घर में आपको रोटी की भी खुशबू आ रही हो आपको सैलड की लेमन ऊपर डला हुआ या खाना गर्म हो रहा है बन रहा है उसकी भी खुशबू एंड थैंक यू जी थैंक यू जी थैंक यू जी आ, आप लोगों की इस मोहब्बत का जो जो अभी आए हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उनका बहुत शुक्रिया असद वालों आप लोगों को हम बता रहे हैं जितने भी लोग जुलाई ट्वेंटी थर्ड से अगस्त ट्वेंटी सेकेंड को पैदा हुआ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा गुजरने वाला है देखो पहली चीज़ ये याद रखो कि आपके जो रुके हुए काम हैं उनको बूस्ट मिल रहा है इस हफ्ते में हिस्सा वालों के बहुत सारे रुके हुए काम हो जाएंगे आप लोगों के कानूनी कार्रवाई है बैंक के कोई मामला हैं अपार्टमेंट है ज़मीन है लैंड है औलाद से रिलेटेड कोई चीज़ है या हेल्थ इशूज़ हैं ये सारे के सारे कवर हो रहे हैं अगर मैं एक मैं कहूं कि हफ्ते आपको सबसे ज्यादा कम तकलीफ में हम देख रहे हैं तो यह गलत नहीं होगा तो अच्छा है मुबारक हो आप लोगों को बेहतरीन वक्त है किसी के साथ पार्टनरशिप करने का शादी करने का लव मैरिज का या फिर आप अपने बिजनेस को किसी और मुल्क या शहर में चेन बनाना चाहो ट्रांसफर करना चाहो कोई और ब्रांच ओपन करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो आप किसी भी फील्ड में हो जिसमें नाम चाहिए होता है आपको दाम चाहिए होता है आप लोगों के लिए ट्यूसडे से गेम ऑन हो जाएगी मुल्क से बाहर जाने के लिए अगर तगो दो कर रहे हो वीज़ा वगैरह के मसले मसाइल चल रहे हैं तो ये हफ्ता आपका लाजवाब है आंखें बंद करो डेट लो जितनी जल्दी हो सकती है पेपर अपने जमा करवा दो और फिर देखो वीज़ा कितनी जल्दी आपको मिलता है बहुत सारे लोग इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे असद वालों को ये लगता था कि हम खाली पीली लोग हैं हमसे ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं लेकिन क्योंकि आपकी जो वाइब्स हैं स्ट्रॉन्गली आप स्परिचुअली बड़े स्ट्रॉन्ग हो तो आपको कोई बीत नहीं कर सकता है जिन जिन लोगों की नई नई मुलाजमत लगी है उसमें अपग्रेड भी दिखाई दे रहा है यानी स्विच करना चाहो किसी अच्छी जगह पे या अपग्रेड देखना चाहो तो आप अपने आ, किसी भी काम में जो जितने भी असद वाले हैं वो शेयर होते हैं वो जाते हैं तो वो वहाँ के शेर हो जाते हैं वो किंग हो जाते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए होता है ये वाद टाइम है इस हफ़्ते का कि जिसमें आप क्विकली आपकी ईमानदारी या वज़ाक़ा को देखते हुए किसी भी चीज़ पे आप हाथ रखोगे तो वो आपकी हो जाएगी यानी आप अपना बनाना जानते हो बीमारियों जितने लोगों को है मौसमी असरात हैं या कोई भी हैं वो इस हफ़्ते एप्सलूटली वेडनसडे को क्लोज़ हो रही हैं ख़त्म हो जाएंगी आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी डिप्रेशन मोड ख़त्म हो रहा है और सबसे अच्छी चीज़ के मिलना मिलाना दोस्तों के साथ का के साथ, रिश्तेदारों तो है, है बदलता हुआ अगर आपके पास सोना है और बेचने का प्लान कर रहे हो तो अभी ना को बेचो थोड़ा सा रीट करो फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे आपको कब क्या करना है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट 22 परसेंट से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो अगर Uh, कोई भी वाइट मीट का इस्तेमाल आप करते हो तो कोशिश करना कि मंडे एंड थर्सडे इन दो दिनों में उसका इस्तेमाल ज्यादा, Thursday, ये ज्यादा करने से आपकी जो बोन के मसले हैं ब्लड से रिलेटेड कोई भी चाहे वो शुगर है कैंसर है हार्ट डिजीज है कोई भी है और को का मसला है ये सब एबसुलटली थर्टीन पॉइंट टू परसेंट पे आ जाएगा 55 से, ये एक बहुत बड़ी बात है तो अल्लाह ने कौन से दिन में कौन से जानवर से कौन सी निजात रखी है ये कोई भी नहीं जानता इसलिए हम तोन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ये हाईलाइट है असद वालों आप लोगों की जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाएगी मामलाते महबूब और रिलेशनशिप देखो बहुत स्पाइसी नहीं है जैसे होने चाहिए अभी तक जितने भी असद वाले हैं उन लोगों के शरीक हयात के साथ जो ताल्लुक हैं वो हंड्रेड में से ट्वेंटी परसेंट बीस <laughs> इशारिया एक है मैंने एक को अवॉइड किया कि वो मिट्टी पाउजी परसेंट का भी, भी कोई फायदा नहीं तो बीस परसेंट है नॉर्मली असद वालों के फिफ्टी एट परसेंट को ही ये टच करते रहते हैं क्या है क्योंकि थ्री जो प्लानट्स हैं वो आपके दिमाग पे उनके असर हैं रोजगार आपके हेल्थ इश्यूज या बाकी के जो छोटे छोटे मामला क्योंकि एक ही टाइम में बहुत सारे जानवर जिबा करके बैठ जाते हो ना फिर बोटियां करेंगे ये देखेंगे ये नहीं होता तो बहुत सारे कट्टे खोल दिए तो फिर समेटोगे कैसे प्रॉब्लम ये आ रहा है तो दानिशमंदी ये है कि एक एक को रिलेशनशिप के हवाले से आपको वाइंड अप करना है ओवर नहीं जाना है आपको मोहब्बत की शादी करने वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है अन नोन फैमिलीज आउट ऑफ कंट्रीज से रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मियाँ बीवी में या महबूब में खामियाँ खामियाँ ढूंढ रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी भी निखर के सामने आ जाएगी और उनके भी रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे और आ, समाजी तौर पर जितने भी हमारे रियासत वाले हैं उन लोगों की हैसियत बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है खरीदो फरोख्त के मामला तो चलो समझ आते हैं लेकिन किस्मत साथ दे रही है वीजा इमिग्रेशन स्टूडेंट स्टडीज पढ़ाई स्कॉलरशिप कर्ज लेन देन बैंक से या किसी से इन मामलात में आप बड़े लकी दिखाई दे रहे हो खानदानी कोई मसाइल हैं तो आपको हो सकता है कोई एडवाइस लेने के लिए आए आप दे सकते हो लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक ऐसा हिस्सा बनो आप किसी चीज़ का जिसमें आपका नाम देखो उनसे भी हमने कहा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप सही हैं तो इसलिए आप दोनों फरीकैन की बात सुनने के बाद अपनी एडवाइस दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा सियासी मैदान में थोड़ा सा आ, एक रौनक मेला दिखाई दे रहा है जितने भी असद वाले हैं और अगर वो पॉलिटिक्स में हैं तो ये तोड़ फोड़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा हो सकता है कि थर्सडे को खुश खुशखबरी भी मिल जाए गलत फहमियाँ ख़त्म होने वाली हैं और मुल्क से बाहर जाने के लिए अगर आप तक गुदू कर रहे हो तो आपके लिए एक मज़ेदार सा टाइम भी शुरू हो रहा है तो हमारे प्यारे असद वालों के लिए कुछ चीज़ें हैं वो हम ज़रूर बताएँगे वो क्या है वो स्क्रीन पर देखो वो है लव लव है फिफ्टी मेरे दोस्तों एंगर है थर्टी टू मतलब ये थोड़ा ज्यादा है इसको कम कर दो तो बहुत मजेदार हो जाएगा सिलसिला रिलेशनशिप सेवेंटी नाइन है गुड है वेरी गुड नहीं Money 46 है मनी फोर्टी सिक्स है सॉलिड है स्ट्रॉग है हेल्थ एटी सिक्स है शुक्र है कि किसी एक जगह पे ऊट बैठा सही करवट में रूहानियत अठारह परसेंट आप लोगों के लिए रहने वाली स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी सेवन परसेंट गुड है और यू किस्मत आपका साथ दे रही है फिफ्टी थ्री परसेंट तस्वी हाथ जो पढ़नी है हमारे प्यारे या सद ने या राफे हो या बसी हो सदके में बेसन दे सकते हो पांच फल दे सकते हो गोट हेड दे सकते हो एंड कैश दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है रेड ब्लैक एंड पर्पल ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए बहुत सारी दुआएं और हमारे असद वालों को कहेंगे गुड लक एंड वेलकम कहते हैं अपने प्यारे वर्गो यानी कन्या राशि वालों को यहाँ पे सुपर चैट आई है आज के इस हफ़्ते की पहली सना खानम इंडिया से टेन थाउजेंड रुपीज़ उन्होंने सुपर चैट किया और रेड मार का मार लिया है सना अल्लाह आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे अपने ख़जाना ख़ास से बहुत दे जितना आपने दिया है इसके हिसाब से भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आपके अकाउंट में हों और आप पूरी दुनिया को देते रहें परवरदिगार जितने भी मरहूमिन हैं उनको जवार रहमत में जगा दे और आपके लिए ख़ास इनाम की सूरत बन जाए और यह जितने गिफ्ट आपने भेजे हैं लोगों के अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ ये हटा दो भाई साहब इतने गिफ्ट उफ मैं तो दब गया था <laughs> उन लोगों के लिए हैं जो यहाँ मोहब्बत करते हैं और उन लोगों के लिए है ये तालियां जिन्होंने भेजे हैं थैंक यू वेरी मच सुपर है चैट के लिए सना और बाकी जितने भी लोग हैं वो आएंगे तो उनके लिए भी हम दिल से बुरा करेंगे थैंक यू जी ओके अब बारी है द दुकूज द ग्रेट कानियाब राशि वाले उन लोगों की हिस्ट्री चेंज है पूरी की पूरी इस बार गेम चेंज है क्या गेम चेंज होने वाली है देखो जितने भी सुंबला वाले यानी ऑगस्ट ट्वेंटी थर्ड से लेके सितंबर ट्वेंटी सेकेंड तक जितने भी लोग पैदा हुए इनमें उनको चार बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना है सबसे पहले है हेल्थ का कोई ओवरडोज किसी चीज़ की नहीं लेनी एक्सपायरी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी मच्छरों से ख़ास तौर पे ऐसी जगह जहां पे थोड़े मच्छर वगैरह ज़्यादा हैं पानी खड़े हैं उन जगहों पे जाने से अवॉइड करेंगे क्योंकि आपकी सेहत को को नुकसान हो सकता है अच्छा ये कोई बड़े पैमाने वाला नुकसान नहीं है लेकिन क्योंकि ये 48 घंटे आपके बड़े हार्ड हो सकते हैं इसलिए आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना एंड सेकेंड चीज़ क्या है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी इन्वेस्टमेंट फोर्टी से ऊपर नहीं होनी चाहिए मैक्स फोर्टी परसेंट है किसी के साथ भी आप कर सकते हो फायदे में रहोगे लेकिन फोर्टी परसेंट से ऊपर अगर जाएगी तो फिर लाले पड़ जाएंगे आपको फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो जिन लोगों के वीज़े नहीं लगे हैं जो लोग मुल्क से बाहर जाने के लिए तगो दो कर रहे थे उनके लिए हफ़्ता वन ऑफ द बेस्ट वीक है आप लोगों का यह हफ्ता गुजरेगा बहुत तेज़ी से सुकून या आराम का टाइम भी नहीं होगा लेकिन आपकी सुनने वाले लोग होंगे जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि दाल गल सकती है आपकी बात करने से आपकी शान बढ़ सकती है नाम बढ़ सकता है काम बढ़ सकता है और दाम बढ़ सकता है आपको अपनी महारत से वो काम करना ही करना है इन सब चीज़ों में एक चीज़ है वो है एजुकेशन जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं अभी फाइनल ईयर का वो है टारगेट आपने दिया हुआ है या स्कॉलरशिप लेना चाह रहे हो कि दिमाग में कुछ चीज़ें आ नहीं रही मज़ा नहीं आ रहा ये सारे स्पाइस इस हफ्ते आपको मिलने वाले हैं ब्रेन बूस्टिंग हो जाएगी अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तब भी आपकी यादाश्त भला की हो जाएगी और आपके वजूद में जो बड़ी तब्दीलियाँ आने वाली हैं ये बड़ी अहम चीज़ें हैं इसको कहते हैं सुकून सुकून आप लोगों को किसी एक ऐसी जगह जो आपको लगता है कि शहर से बाहर मुल्क से बाहर घर से बाहर है तो आप फैमिली के साथ एक टूर बनाओगे आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा जो लोग फॉलिन लव मोहब्बत टाइप की गेम में ऑन है उन लोगों के रिश्ते होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मरकरी सारी की सारी एनर्जी उस जगह पे रख रहा है कि मम्मियाँ चाय पे एक दूसरे को बुला लें वो पता चले मम्मियों ने किटियाँ डाल ली आपस में मिट्टियाँ डाल के बच्चों ने ब्याह ही नहीं हो तो आप मम्मियों को मिलवा सकते हो अपने होते हुए साजगार हालात बनते हुए नज़र आ रहे हैं उन लोगों के लिए जो ज़मीन और जायदाद की गेम में सेल हो रहा है नहीं हो रहा है कटाई में पड़ा है अदालत में चल रहे हैं मुकदमे चीजों की आपको एक नवीद मिलेगी खुशखबरी मिलेगी किन चीजों को तरजीह देनी है आपने मतलब इस पूरे वीक में वो है सबसे पहले रुके हुए कामों को मुकम्मल करना आप लोगों ने अगर गोल्ड या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का सोचा है तो राइट टाइम है आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपकी जहानत और से आप अपनी मुनफरद जिंदगी को पेंट कर सकते हो ये याद रखना कि परवरदिगार के सामने आपका वो जो एक स्पिरिचुअल फीलिंग्स या चेहरा है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है उसमें कहीं कहीं कमी दिखाई दे रही और ये तफाकिया नहीं है ये सुस्ती काहली का नतीजा हो सकती है कोई और वजह नहीं हो सकती सेहत को इसका बहाना नहीं बना सकते थोड़ा सा उसको आप करोगे वॉल्यूम अप होगा तो सब चीज़ें आपकी सामने आना शुरू हो जाएंगी कभी कभी चीज़ें होती हैं नसीब पर और कुछ होती हैं आपके अपने हाथ में अब आप नसीब वाली गेम पर हो मरकरी जिस तरह मूव कर रहा है वो जैसा जैसा वो चाहेगा वैसा प्लान होगा तो उसके साथ ताल्लुक तो अच्छा बनाओ अच्छा ताल्लुक नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा रिलेशनशिप मियाँ बीवी महबूब दोस्त सहेलियाँ जितने भी लोग इनके साथ रिलेशनशिप बूस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है क्यों क्योंकि ये पहली दफ़ा है उलझाओ के बग़ैर ख़्वाबों की जो एक लंबी किस्म है वो आपके सामने आ रही है यानी ड्रीम्स आ, जो हकीकत का एक जामा पहनेंगे वो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरियाँ लेकर आएंगे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे हमारे वर्गो वाले जितने भी सब्बला वाले हैं उन लोगों के नए डायरेक्शन नई जगहों पर क़याम गाहें दिखाई दे रहे हैं आप किसी एक खास जगह पे मूव होना चाह रहे हो मुल्क में जाना चाह रहे हो तो आप लोग जा सकते हो उसमें साउथ अफ्रीका टोक्यो एंड चाइना ये तीन मुल्क सक्सेस नहीं देंगे ये इसलिए बता रहा हूँ कि वर्गो वालों के लिए अभी इस वीक की बात करें अगले हफ्ते हो सकता है वो डायरेक्शन चेंज हो जाए तो ये वीक बाय वीक काम थोड़ा थोड़ा नवाला आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप ज़्यादा परेशान ना हो जाए सूद के बिजनेस से दूर रहना है वो ख़वातीन जो हमला हैं वो बड़ी खैरवाफियत से सच्चा बच्चा बिल्कुल ठीक रहेंगे और आगे के मसले भी ठीक रहेंगे हाँ इस पूरे मामलात में इस पूरे वीक में बुरी नज़र और जादू के अटैक थोड़े कम ज़रूर हैं लेकिन आप लोगों को मंडे बुध वाले दिन जो आपकी डे हैं सैटरडे इन इन में थोड़ी सी एहतियात करनी है कहीं आते जाते हुए कोशिश करना तथीरी प्रोसेस को रोको मत हाथों को बार बार वॉश करना नहाना ये वाला सिलसिला आपको ज़रूरी रहना है वरना मुंह से जाने वाली बीमारियों में छोटी आंत के मसाइल या किडनी का हल्का सा कोई अलर्ट मोड पे वो दिखा रहा है लेकिन ये बड़ा मामूली रहेगा सिलसिला डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो कोई भी काम अगर करवाना है डेंटिंग पेंटिंग से लेके सर्जरी तक वैक्सिंग से लेके हेयर ट्रांसप्लांट तक कोई भी कराना चाहो तो आप डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं ट्विंस बेबी कंसीव करने वाले जितने भी लोग हैं कि जी हमारे बच्चे डबल हो जाएं देते तो तनख्वाह डबल नहीं हो रही बच्चे डबल की करोगे सिंगल ही रहन दो तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा सिलसिला दिखाई दे रहा है वर्गो वालों मतलब जान लोगे बच्चे की क्या कि इतना कुछ है माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में तो आप लोगों को फिर ये भी पता होना चाहिए कि लाभ सेवेंटी टू परसेंट है तो ये तो बल्ले बल्ह है भाजी चख दे फट्टे भाई जी लेकिन एंगर है ट्वेंटी नाइन ये आपको जेब नहीं देता रिलेशनशिप है एटी नाइन स्ट्रॉन्ग है इसको मोर स्ट्रोंग कर सकते हो आप मनी सिक्सटी एट परसेंट गुड है लेकिन इनफ नहीं है उस हिसाब से जितने आपकी आगे ज़रूरत आने वाली है एटी वन है थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा रूहानियत तो उन्नीस परसेंट है आपकी स्टडी एंड एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो है सिक्सटी वन और यू स्परिचुअली आप लक को देखोगे तो 63 परसेंट आपका ताल्लुक दिखाई दे रहा है तस्बीहात हैं वर्ग वालों के लिए या लतीफ़ हो या शकूर हो ये दोनों तस्वीया आपको पढ़नी हैं सबके में दाल माश दे सकते हो अनकुक हालत में बाजरा दे सकते हो गुड़ स्वीट्स चीनी मिठाई कुछ भी चॉकलेट्स वगैरह दे सकते हो एंड कैश भी दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है ग्रे येलो एंड वाइट ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे प्यारे वर्गो हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आप लोगों के साथ हैं आपके बाद आने वाले हैं बैल बैलेंस लोग वो बैलेंस लोग जो कि बहुत ही बैलेंस्ड हैं और बड़ा स्ट्रांगली जिंदगी को देख रहे होते हैं मैं पहले यहाँ पे दो लोगों का जिक्र कर दूँ एक तो तशिया बख्शी इंडिया से दो सौ रुपये आपने भेजे इसके लिए बहुत शुक्रिया सलामत रहिए अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें और मुसरत साहब ने फिफ्टी जार भेजे हैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अल्लाह आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे अपने ख़जान ख़ास से बहुत दे और आप लोग हमेशा दूसरों के लिए वसीला बने रहो सबब बने रहो अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे और सब लोगों के लिए दिल से निकलती हैं दुआएं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू आप लोगों के लिए ये तालियां थी और ये तालियां जरूरी होती हैं बस कर एड़ी, एड़ी। <laughs> सुनो ये कौन है <laughs> अरे ये ये ये, ये बात तो खैर गोरोगी मुझे होता है नसीब आ, हमने कभी ऐसा सुना हुआ नहीं होता वो एक लड़के से मेरी बात हुई आ, वो इसकी एज है सत्ताईस साल है उसकी एज ट्वेंटी सेवन है तो उसने मीटिंग थी नॉर्मली वी ये आवाज़ जो पतली सी है ना ये इस टाइप की उसकी पतली सी आवाज़ थी और वो कराची में कहीं रह रहे थे वो कोई जिक्र हो रहा था कि अच्छा एक बार मीटिंग हुई फिर उसके तकरीबन कुछ छः सात महीने के बाद दोबारा मीटिंग हुई तो बड़े खुश तो मैंने कहा क्या सारे काम आपके हो गए उन्होंने कहा नहीं मेरी अम्मी की शादी हो गई और मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी बात की नहीं तो हमारे लिए बड़ी हैरत की बात होती है अम्मी की शादी हो गई बच्चे छोटे हों तो बच्चों की वो फीलिंग्स तो नहीं होती उन्होंने कहा हाँ बस क्योंकि मेरी भी शादी होनी है तो मेरी अम्मी मेरे बाद अकेली रह जाए वो सिंगल पेरेंट जो होते हैं उनके लिए मुश्किल था तो वो हमारे एक जानने वाले थे तो मैंने कहा भाई वो आपसे इतना करते हैं तो शादी कर लीजिए तो मैंने अपनी अम्मी की शादी किया अच्छा ये बहुत अच्छी बात है मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरी बात तो ये जब ये आवाज़ आती है ना ये वो लड़का याद आ जाता है अल्लाह सब के नसीब अच्छे करे देखो मसला ये है हमारे मुल्कों में ये चीज़ बड़ी अजीब समझी जाती है कि जी और जो है वो चालीस पचास साठ की हो गई तो बस जी हूँ तुझे तो साढ़े बच्चा पाल लो अल्लाह अल्लाह कर लो जबकि आपके पास राइट है आप कभी भी किसी भी एज में शादी कर सकते हो हाँ थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है डिस्कशंस होती हैं हमारी आपस में जब भी कभी ज़िंदगी के बारे में अब एक शख्स है जो कमाने वाला है घर का उसकी उम्र चलो पचपन साल हो गई फ़र्ज करो या साठ साल के करीब पहुँचने वाली है या पचास कर लो छोड़ दो इसको अब वो पचास साल का है उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही है तो समझ आता है कि जी एक औलाद चाहिए कि ताकि हम अपना देख लें और ऑलरेडी अगर आपकी औलाद है एक बेटी है एक दो बच्चे हैं तीन बेटे हैं जो भी हैं और आप चाहते हो कि एक और बच्चा पैदा हो जाए मुझे इसकी समझ नहीं आती है क्योंकि आप कमा रहे हो आपकी जोजा नहीं कमा रहे हैं फर्ज करो और आप कितना पाकिस्तान में कितनी एज होती पैंसठ वो भी नसीब हुआ तो सत्तर तो जब वो बच्चे ने अठारह बीस साल का होना तो आप नहीं होंगे और वही तो उसकी एज होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी शादी के बाप और माँ इन्वॉल्व हूँ अच्छा ये टेक्निकल चीज़ें हैं जिसमें आप रोक लेकिन इख्तियार तो है ना आपका यार मतलब सिर्फ चस्का काफ़ी नहीं होता वो अल्लाह दे रहे नाम अल्लाह का बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी औलादे नहीं है मैं भी बहुत खुश हैं उनसे आप पूछें कि आपको तर... वो कहते हैं तलब होती है यार लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी है कि अब हम दूसरे ब्याह के लिए हम आपस में बहुत खुश हैं तो हमने क्या करना है और बहुत सारे जो करने वाले होते हैं वो भी नहीं कर रहे होते तो अल्लाह कर्म करने वाला है आप लोग खुश रहिए और पॉजिटिव सोल कह रहे हैं इज हैव हंड्रेड डॉलर हैप्पी आवर थैंक यू जी बहुत शुक्रिया पॉजिटिव सोल आपका तो आईडी इतनी पॉजिटिव है तो हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए ओके लेकर चल रहे हैं आप लोगों को जो असद वाले हैं उनके बाद आए वर्गो वाले और वर्गो वालों के बाद जो सुपर स्टार्स हैं यानी सितंबर ट्वेंटी थर्ड से लेकर अक्टूबर ट्वेंटी सेकेंड तक वो हैं लिब्रा वाले लिब्रा वालों की ज़िंदगी में थोड़े बहुत जो करंट इश्यूज चल रहे थे वो हो गए खत्म अब एक नया दौर शुरू हुआ पहले हम माल की बात करते हैं कि मालों मत आता हुआ दिखाई तो दे रहा है लेकिन आप लोगों को बैलेंस करना है क्योंकि कितना पैसा किस चीज़ में लगाने वाले हो फर्ज़ करो अगर आपने सोचा है हमने बस अभी पैसा आ रहा है या जो है ऐसे प्लॉट खरीदना है घर खरीदना है गाड़ी खरीदनी थोड़ा सा होल्ड रख लेना एक हफ्ते की बात है ना एक हफ्ते के बाद तो हम उसको सकते हैं तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा आपके तहफ मतलब से निकाल दिया। जिनके पास है, जिनको पता है खेल सकते हैं लेकिन वो सिर्फ टू परसेंट है वाले बाकी नाइनटी एट परसेंट के लिए ये वाली पेशेंट ही है आप लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो रही है लेकिन जाहिर है वो जो एक बॉडी में बहुत सारी कमी है बहुत सारी नींद की बहुत सारे प्यार की ये दो चीज़ें हैं जिसका एम्टीनेस फील हो रहा है आपके सारे प्लैनेट्स में तो अगर आप किसी के साथ मोहब्बत करते हो तो उसको पाया तक मिल तक पहुँचाओ बात करो इजहार करो गुफ्तगू करो क्योंकि आप सिर्फ एक मशीन बन चुके हो उस हिसाब से आप मर्द जनो कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर कोई नहीं है तो फिर आप स्परिचुअली थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो यहाँ से सिलसिले बनते हुए नजर आ रहे हैं आउट ऑफ फैमिली आउट ऑफ कंट्री या कोई भी जो आप पे जान निछावर करे वो आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो रहा है और वो उसको पिक करना है आपने और दूसरी चीज़ है आपके काम के मामला इसमें एनिमी लिस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन आप अभी तक तो सेफ खेल रहे हो और ये मैक्सिमम थ्री इयर्स की गेम है ये याद रखना कि तीन साल के बाद आपके सितारे ये नहीं होंगे इन तीन सालों में जितना बना सकते हो बनाओ उसके बाद वाला जो सिलसिला है और ये उन लोगों के लिए जिनकी उम्र पच्चीस को टच हो गई है पच्चीस को अगर हो गए हो तो फिती क्योंकि थ्री ईयर्स के लिए लिब्रा जितना भी है वो बड़ा खुशहाल रहने वाला अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो माइनस में जा रही हैं फैसला कौन कंडीशन पे हैं वो हम बाद में उस पर डिस्कस करेंगे अभी ये है कि अगर आप तलाक वलाक के मामला में उलझे पड़े हो तो आपका ये सिलसिला फारिग नहीं होगा आपको ये लगेगा लेकिन ये टूल पकड़ेगा भी आगे चलेगा क्योंकि कुछ कमरी तारीखों में आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉग चीजें दिखाई दे रही हैं रिलेशनशिप स्ट्रॉग हो रहा है मोहब्बत बढ़ रही है जिनके यहाँ नहीं है उनको औलाद इस हफ्ते कंसीव होती हुई दिखाई दे रही है अब मामला जो जमीन जायदाद के होते हैं तकसीम के कानूनी तौर पर उसकी विरासत आपके हिस्से में आती हुई दिखाई दे रही है पूरे हफ्ते में आपको थ्री से फोर टाइम डिफरेंट टाइम है रोमांटिक दो

आ, मुद्दा वो नहीं था जिसको आपने खुद से सोच के पेंट कर दिया तो फिर आप गलती पे हो फिर आपने एक संगे पारस को खो दिया जो किसी भी चीज को सोना बना सकता है क्योंकि अभी जब तक हड्डियां जवान होती हैं ना तो हमें लगता है कि जी बस जवानी खोती पर भी आए ना तो लोग कहते वो यार खोती दी बच्ची बहुत अच्छी लगती खोती दी बच्ची बहुत है इंडिया पाकिस्तान में खोती दी बच्चियां तो बेचारा कितना मासूम से हम कितनी बुरी गाली बना लेते हैं खोती लाहौर वालों को तो पता ही है, है माशा कितनी बिरयानिया कितनी कढ़ाइयाँ खोतियाँ दिखा गए अच्छा तो मसला ये है कि जब तक है एनर्जी आप हाँ लोगों को लगता है कि जी बस गुड्डी चार लो जी लेकिन एनर्जी जाने के बाद फिर जब ज्यादा आपको पता है तन्हाई का जो शिकार है एक सर्वे जो पूरी कायनात में हुआ उसमें तीन स्टार्स होते हैं कैप्रिकॉन एंड एनफाइसिस क्यों तनहाई का शिकार रहते हैं क्योंकि वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं पर्सनालिटी का वो आपस में तजाद होना एक अलग चीज है खैर आप लोगों के लिए मोहब्बत के मामला को इसीलिए हम संजीदगी से दे रहे हैं काम काज आपके थोड़े स्लो प्रोसेस पे जो है वो एक्टिव हो जाएंगे अगर आप लैंड प्रॉपर्टी का को बिजनेस करते हो आप मीडिया में हो सोशल मीडिया में हो पॉलिटिक्स में हो टीचर हो ब्यूटी का कोई काम करते हो तो आपके लिए समझ लो स्कॉलरशिप है अभी गेम ऑन होने वाली है और आपकी रूह तक को सुकून मिल जाएगा मेरे प्यारे लिब्रा वालों अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी है मंगल वाले दिन और बुध वाले दिन आप लोगों को कुछ फायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं घरेलू मामला को ठंडे दिल दवा से हैंडल करने की कोशिश करना है थोड़ा सा इस पूरे वीक में अपने लिए आपने कम से कम 24 घंटे अपने लिए आराम के लिए पैंपर करने के लिए रख लें क्योंकि एग्जॉस्ट हो रहा है ब्रेन ब्रेन एग्जॉस्ट होता है तो फिर आपकी आपकी गेमी दिमाग से है ना तो वही सही नहीं होगी बॉडी रिलैक्स नहीं करेगी तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा औलाद की तरफ से जिनकी औलादें हैं अब जिनकी नहीं है वो कहीं हैं सडितें हैं नहीं तो सानू की सुख मिलेगा तो अकल ना होने तो मौज जाए मौज है ना औलाद की तरफ से कुछ सुख मिल सकता है आप लोगों को बेजा अखराज से गुरेज कीजिएगा ये फिर से आपको हम बता रहे हैं और आपके के लिए दिल से निकलती हैं बहुत सारी दुआएं लेकिन अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है अभी तो आपको बता रहे हैं लिब्रा वालों के लव परसेंटेज कितना है वो है 58% आप लोगों के लिए एंगर है 36 अब ये ज्यादा है कि नहीं है बिना का गुस्सा खत्म करो रिलेशनशिप 76 आप लोगों के लिए मनी 53 हेल्थ 87 रोहानियत पंद्रहेंट स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी नाइन परसेंट है और लक आपका साथ देगी फिफ्टी सिक्स परसेंट अब इसको बैलेंस कैसे करना है ऐसे करना मेरे प्यारों की या कबीर हो या मुकी तो ये दो तस्बिया इस हफ्ते की आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा मीट गोश्त जानवरों परिंदों या इंसानों को हसब तोफीक दे सकते हो आटा दे सकते हो चार लोगों को खाना खिला सकते हो ये उतने ही दादा के पैसे भी दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है ब्राउन पिंक एंड ब्लू ये अगर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं प्यारे लिब्रा वालों गुड लक एंड वेलकम कहते हैं द स्पाइसेस से भरपूर पर्सनालिटी स्कॉर्पियो वाले संजय माल की कह रहे रिकॉर्ड फ्रॉम टोरंटो ये क्या है जी अच्छा न्यू जर्सी से हैं हेलो संजय जी कैसे हैं नमस्कार और जितने भी हमारे आ, अमेरिका कनाडा यूके इंडिया पाकिस्तान राइट ए वाइटना इन दुबई तो जितने भी हैं उन लोगों को हमारा प्यार भरा सलाम और आ, नीलम राजपूत हाय नीलम रुखसाना है कैरियो यू नाइस पर्सन मैनू नहीं पता तुसे मैंने याद हो मुझे बहुत शुक्रिया इस चीज़ का पॉजिटिव सोल्स है हंड्रेड डॉलर हैप्पी है थैंक यू थैंक यू प्लीज़ कुछ मैसेजेस अगर हैं तो आप दोनों साइड पे हमारे जो शोज चल रहे हैं द गेम चेंजर सीमी हैदर यूट्यूब का ही मेरा दूसरा चैनल है यूज़ डेस्टिनेशन पे भी जा रहा है हमारी ब्लू कलर के जो नाम लिखे हैं ये आपको बता देंगे सब्सक्राइब जरूर करना है आपने और मेरे फेसबुक राजा हैदर जो है उस पर भी ये जा रहा है और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा टिकटॉक है रियल राजा हैदर रेल राजा है मैं रेल मेरे कितनी दफ़ा बंद हो गए टिकटॉक से नफरत होने की वजह ये थी कि आप मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर बना लेते हैं और किसी की आपका नहीं कैसे तो सर्च इंजन बनाए हुए हैं वो बंदा पूछ तो लेना किसी चीज से तो इस वजह से हम ज्यादा उसको प्रमोट नहीं करते पर टिकटॉक पर भी इन लाइव आएंगे और इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए ठीक है हाए ले कह रही है थैंक यू आप लोगों के लिए हमारे दिल से निकलती हैं बहुत सारी दुआएं और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को अगर आपने नहीं किया है अभी तक यह ना हो कि किसी सियानी बिल्ली खंबा नोचे टाइप कभी इधर देख रही है कभी उधर देख रही है अच्छा ये मानो जो है ये ऐसी नहीं है ये वैसे ही परेशान खटक है कि भई हम करें क्या क्योंकि इस मानो को यह नहीं पता कि सामने से जो आ रही है मुर्गी वो मुझ तक पहुंचेगी ना, है। ना मुर्गी को पहुंचने देंगे ना मानो को बात मेरी मानो और सुनो कि इस हफ्ते स्कॉर्पियो वालों की जिंदगी में क्या होने वाला है स्कॉर्पियो आप लोग अपनी शनाख्त बनाने के लिए इस दुनिया में आए हो ये याद रखना लेकिन आप पैसा बनाने के चक्कर में पड़े हो ठीक है पैसा जरूरी है लेकिन आपके नाम के साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी जुड़ी हैं आपको राइट डिसीजन लेना कब आएगा यह अब आपके ऊपर है मतलब मैं कोई नसीहत नहीं कर रहा हूं मैं पूछ रहा हूं कि कब आएगा <laughs> लपेड़ लपेड़ के मारेंगे आप हमें ना 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 ऐसा नहीं है पर समझ लो थोड़ी देर के लिए बिकॉज गलत जगह पे एनर्जी आपको यह पता है जितनी पोटेंशियल स्कॉर्पियो वाले लोहे को पिघला सकते हैं सूरज की गर्मी उनको कुछ भी नहीं कहती ये जो ब्रैपट्स होते हैं ना पहाड़ों के अंदर से छुप के जो पानी की लहरें समंदर तक आती हैं वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती स्कॉर्पियंस स्ट्रोंग पर्सनालिटी के लोग होते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में मतलब जाना इधर इधर जाके अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे होते हैं पैसा फिर भी मिल जाता है नेम एंड फेम भी मिल जाता है लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती जो आपके मुकदर में परवरदिगार ने लिखी है इसलिए अब आपको एक सही जीपीएस की जरूरत है कि जाना इधर है गलत जगह पे नहीं जाना है ठीक है पहली चीज़ कि ये हफ्ता बहुत सारी खुशियों से भरा पड़ा है अगर आप मुल्क से बाहर जाने की कोई प्लानिंग व्लानिंग कर रहे हो तो बड़ी आसानी से चले जाओगे सेटल होना चाह रहे हो शादी करके एजुकेशन के हवाले से जॉब के हवाले से तो ये चीजें भी आपकी बड़ी स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रही हैं जॉब स्विच वाला तरीका भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप नौकरी कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हो छोड़ के किसी और जगह चले जाएं तो ना 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 छोड़ना नहीं है स्विच कर लो स्विच करना मतलब किसी और इधारे में चले जाएं वो प्रोफेशन नहीं छोड़ना है हाँ इधारा छोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अगर आपको लग रहा है कि थ्री सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए कम है तो फिर आप चौथे की तरफ भी जा सकते हो थोड़ा थोड़ा सब जगहों से बनाना होता है लेकिन इसमें मिसिंग है आपकी पर्सनालिटी का वो शेप जो आप दूसरों को दिखाना चाह रहे हो थोड़ा अपने ऊपर टाइम लगाना है ग्रूम करना है थोड़ा अपना देखो हर बंदे को पता है कि हमें अच्छा लगना है लेकिन आप ट्रेंडिंग में चलने वाले फैशन को अच्छा क्यों समझ रहे हो जैसे आजकल मर्दों की चली हुई है खुले पांचों वाली बिलबाटम वाली पैंटें मैं कभी ना पहनूं इसलिए मुझे पता है मेरी पर्सनैलिटी अच्छी जरूर लगेगी लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगा ये हो गई वो बात कि अब हर बंदे पे हर लिबास अच्छा नहीं लगता मुझे अच्छा लगेगा मेरी हाइट सिक्स थ्री है मेरी टांगे लंबी हैं तो मैं कुछ भी पहनूंगा ठीक लगेगा मुझे पसंद नहीं है अच्छा अब आते हैं कि आपको अगर लग रहा है कि आप लड़की हो पटियाला शलवार या जो भी एक ट्रेंड चला हुआ है शॉर्ट शर्ट का चल रहा है लॉन्ग का चल रहा है आप उसके साथ टेल शर्ट्स पहन सकते हो आपको अच्छा लगता है आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी तो फिर आपको दूसरों को नहीं देखना है कि वो ट्रेंड में है या नहीं है आप नए ट्रेंड बनाना है महंगे महंगे लिबास पहनने के बाद हम अपनी पर्सनैलिटी को लोगों के सामने रखते हैं कि ओह हमने तो ये पहना है वैसे पहना मैंने भी जारा का स्वेटर है <laughs> जारा किसी कुड़ी नाम है <laughs> मतलब मैं बात करूं तो वो, वो पहन पहन के बता रहे होते हैं तो अगर ये स्वेटर जो है ये मेरी पर्सनालिटी को आसीन बनाए तो फिटे मो इस स्वेटर का और मेरा भी ठीक है तो आपसे कहने का मकसद अब आप थोड़े आसान लफ्जो हाथ ओला रखे दस है तो नुँँ। नुँँ फटे देने से तो आप प्लीज सिर्फ अपनी सुनो जो ट्रेंडिंग में है या जो लोग आपको कह रहे हैं ना उसकी तरफ नहीं जाना सो ग्रूम करो थोड़ा सा जो कि आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत सूट करता है ठीक है अब आते हैं उस चीज पे जिसके आप माहिर हो आपके पास हवा की रोज़ी हवा की रोजी समझते हो लॉ लॉयर हो एक्टर हो सोशल मीडिया वाले हो एयरलाइन के बिजनेस में हो वीज़ा इमिग्रेशन का, का काम करते हो हवा का बिजनेस जो होता है ठीक है टेलीफोन सेल फोन की कंपनी में हो किसी में भी हो आप लोग समझ लो कि आपकी तो हो गई चांदी यानी आप इस फील्ड में हो तो आपके लिए नई राहें खुलना शुरू हो जाएंगे और आप अपने आप को थका हुआ महसूस भी नहीं करोगे इस हफ्ते में लेकिन रॉन्ग लोग जो उस प्रोफेशन से नहीं है उनके साथ टाइम वेस्ट करने से हम आपको रोकेंगे मतलब

वो बड़ा मुख्तर से बबल होगा टच किया और खत्म हो गया यानी कि वो मैक्सिमम सेवन मंथ की गेम होगी इसलिए अभी आपको ये सोचना है बैंक से उधार उधार लेना है ले सकते हो आप हाँ लोगों को कोई पेपर वर्क करना है मुझसे बाहर जाने के लिए तो वो कर सकते हो आपकी पर्सनालिटी पे कोई उंगली ना उठाए हम ये चाहते हैं लेकिन इस हफ्ते किसी को कीड़ा तो जरूर काटेगा जो आपको शायद बुरा पेंट करेगा या फिर आपकी किसी एक चीज को लेके स्कैंडलाइज किया जा सकता है वो थर्सडे है बस थर्सडे के दिन आपको अवॉइड करना रिश्ते नए लोगों के आपकी जिंदगी में आते हुए नजर आ रहे वो हमारी बहनें जो इंतजार में है कि कोई इंसान का बच्चा मिल जाए तो बस ये याद रखना कि शरीफ आदमी और डायनासोर इस दुनिया में नहीं मिलते जड़ा मिले जड़ा कट्टो लाल लाल तो सब एक ही जैसे होते हैं ये ना सब मर्द एक जैसे होते हैं ये किसी चाइनीज का महावरा है उतर जाओ तो सारे डेढ़ डेढ़ तोले की नाक लेके घूम रहे हैं एक ही जैसी शक्ल के सब लोग तो मतलब इंडिया पाकिस्तान ये कॉन्टेंट जितना है ये तो सबकी शक्लें अलग अलग है और जड़ा कट्टो लाल लाल है तो आप अब फैमिली में अगर कोई बुजुर्ग हैं हयात हैं उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा बहन भाइयों के बीच में जो तसादम चल रहा था नाराज़गियाँ थी उसको कोई फरीक आके चेंज करने की कोशिश करेगा बेहतर करने की कोशिश करेगा इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हमारे पी आर ओ और कोशिश करना कि अपने पाँव का जो ततीरी प्रोसेस है सफाई का आ, आराम का अपनी एड़ियों का कंफर्ट शूज़ जो है ये आप लोगों की पूरी बॉडी को बेहतर कर देंगे ये क्यों अच्छा वाए मतलब जूतों का सितारा होता है कोई कि नहीं होता इसमें हाईलाइट होती हैं एड़ियाँ और पाँव कि ये कम्फर्टेबल पोजीशन पे नहीं है इनके लिए आपने कुछ करना है जैसे आई साइड पे है है थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा आप लोड डाल रहे हो सेल फोन शायद इस्तेमाल होता है, कुछ भी तो आपको इसका ख्याल रखना है।, जब होता है मामला तो एक ही चीज है नंगे पैर तो फिर देने तुम स्टोन एज के तो नहीं हो ना वो उसके लिए जूता ही एक अहम चीज होता है कि आपने जब जूता कंफर्टेबल नहीं पहना है तो आपके पूरी बॉडी में वो पेन रहेगा तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखो मेरे प्यारो आप लोगों के लिए क्या होने वाला है ये जानते हो

स्टडी एंड एजुकेशन 61, वन का और लक आपका साथ देने वाली है हमारे प्यारे खैफे वालो फोर्टी एट परसेंट और यहाँ पर तस्वीयाँ हैं या जलील हो या रकीब हो ये दोनों तस्वीर आपको पढ़नी होंगी हंड्रेड हंड्रेड वाली पानी पर दम करके पी सकते हो आप राइस कुकड या अनकुक्ड हालत में दे सकते हो कुकिंग ऑयल या घी मक्खन किसी को भी गरीब को ज़रूरतमंद को दे सकते हो बर्ड फूड दे सकते हो और कैश भी दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है डार्क ब्लू ब्लैक एंड ग्रे ये वो कलर हैं जो आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी दुआएँ स्कॉपियो वालों आप लोगों के साथ हैं और आपके बाद आने वाले हैं द गोल्डन पीपल विद द गोल्डन हार्ट सजिटेरियस सजिटेरियस वालों का थोड़ा सा हम यहाँ पे आ, कुछ आ, चेंज मार लेते लेकिन अब हो नहीं सकता है क्योंकि <laughs> कलर जो है आपका आ, यही लिखा रहेगा अब चेंज नहीं कर सकते आप तो समझ लो मैंने इसे बता दिया और यहाँ पहले आके देखते हैं कि यहाँ कोई सुपर चैट हुआ है शिगुफ्ता जमीन साहिबा ने ट्वेंटी डॉलर भेजे हैं अमेरिका से फॉर मी एंड माई फैमिली उन्होंने लिखा है शिगुफ्ता जमीन जबी साहिबा परवरदिगार कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे आपको ये जो आपने उन लोगों के लिए तोहफा भेजा है चीज़ों का ये बहुत ज़रूरी था अल्लाह ताल आपकी ज़िंदगी में इतने ही आसानियाँ आराम पैदा कर दे आपके मन की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए जो सुपर चैट आपने दिया है रोजे रोशन रोजे हशर ये रोशनियों के कुमकुमे बन के आपकी ज़िंदगी में आते रहें और बहुत सारी आपके लिए जितने भी हमारे लोग सुपर चैट देने वाले हैं थैंक यू वेरी मच और अभी सजिटेरियस को तो आप देख ही रहे हो इसके साथ साथ और भी आ जाएगा सिलसिला और कौन है हाय शास्त्रा जी कैसे आप हमारी पूरी टीम मुकम्मल नहीं आज कम कम है लेकिन फिर भी ठीक है एक्टिव हैं थोड़े बहुत लोग और तो जी अपनी डेट ऑफ़ बर्थ नहीं पता वो स्टार कैसे देखे ओके अच्छा इसके लिए आपको फिर भी किसी एक से रता करना होता है उसके लिए क्या होता है कि आपका नेम मदर नेम एंड मदर्स मदर्स नेम अम्मी का नाम और नानी का नाम और प्लेस ऑफ़ बर्थ किस गांव शहर कस्बे में पैदा हुए हो ये आप किसी को देते हो वो एक अदद निकालते हैं निमरॉलोजी में वो अदद आपके स्टार के साथ होता है तो आपने उस स्टार को फॉलो करना होता है तो वो आप Uh, मुझसे मीटिंग कर लें वो पता चल जाएगा जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता ये एक तरीका होता है तो आप फिर उन स्टार्स को फॉलो करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा ठीक है तो और क्या है जी सर प्लीज़ रिलेशनशिप के बारे में, में बताइएगा हिरा खान बता तो दिया और क्या बताएं आपके पर्सनल रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं उनके बारे में तो सिर्फ प्राइवेट मीटिंग ही होती है ना और और कौन कौन है समीना अहमद के नहीं असल जस्ट जॉइन ओ, लोग अपनी सफाई देने के लिए आए हैं कह रही मैं इधर आए जरा लोगों को शक्ल नजर आए क्या नहीं इसी हालत में इसी हालत में आके दिखाओ जरा

आपने पूछा है नंबर फोर जो है नंबर वन के साथ शादी कर सकता है जी बिल्कुल कर सकता है आपके लिए जबरदस्त होते हैं वन फोर और सिक्स के जो डिजिट है ना इनके साथ आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं आप दोस्ती भी कर सकते हैं और आप इनके साथ रिलेशन बना सकते हैं शादी भी कर सकते हैं अच्छे हम सफर आपके ये होंगे और कोशिश ये करें कि अगर शादी करें और अगर किसी की थर्टी फर्स्ट यानी कि इकतीस तारीख अगर है उसकी डेट ऑफ बर्थ फिर तो भाई वाह वाह हो जाएगी बाकी ये है कि ये जबरदस्त वाला होता है ठीक है जी थी? और बाकी डिटेल जो है वो राजा हैदर की वीडियो में जाके देखो और अच्छा पर... जो नंबर एक है वो नंबर फोर शादियां भी कर सकते <laughs> ये नंबर 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 वाला सिर्फ ही कर <laughs> हाँ, एक से ही शादी शादी कर कर सकता सकता है है से तो बाकी एक कुछ लोगों ने आके जैसे कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उनकी बहन की तबीयत ठीक नहीं है मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं तबियत हैदर की तबीयत ठीक नहीं मुझे भी इस वक्त बुखार काफी ज्यादा और वो जो एक होड पे छाला सा निकल आता है ना बुखार के बाद वो भी जी काम हो चुका है और उसके अलावा शाइस्ता के भाई की तबीयत ठीक नहीं है आ, और जो जो लोग भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत दे जी वो दुआ के लिए खास कहते हैं तो आप सबको अल्लाह ताला से तंदरुस्ती जिंदगी दे और उसके अलावा यहाँ पर हमारी जो बहनें आके कहती हैं औलाद के लिए तो अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी वाली औलाद अपनी रजा से अपनी खुशी से नवाज दे दे, दे। आमीं जी, आमीं। और जिन बहनों की बच्चियों की शादियां भी तक नहीं हो रही बहुत सारी यहाँ के बहनें लिख रही हैं कि अभी तक उनकी शादी नहीं हो रही नहीं। तो अल्लाह ताला आप सबके नसीब खो ले आपकी जिंदगी में अच्छे जीवन साथी आए जो आपकी इज्जत करें कदर करें और आपको रहनी महारानी बना के रखें और आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हाँ। नहीं। <laughs> और सच में सच में हम आपको बताते हैं इसमें आपको पता लगी लिपटी कोई बात नहीं है क्योंकि राजा हैदर साहब सिर्फ स्ट्रोलॉजर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्टर भी हैं डायरेक्टर भी हैं सिंगिंग करते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं लिखते हैं फिर आप जितने भी कार्टून देखते हैं उनकी डबिंग होती हैं फिर ट्रैवल व्लॉगिंग भी करते हैं फिर बहुत कुछ और करते हैं तो ये यह जो यहाँ आके आपको स्टार्स का बताते हैं बिलीव में ये आपकी मोहब्बत में है कि आप जो इतना प्यार देते हैं ना सिर्फ उसके लिए है तो इसी वजह से आपसे कहते हैं आप सपोर्ट ज़रूर किया करें प्यार और मोहब्बत ज़रूर भेजा करें आ, और अच्छा अच्छा बोला करें बस कुछ एक अच्छा जुमला प्यारा सा जितने आप खुद प्यारे हैं ना बस आपका कमेंट पढ़ के मैं अंदाजा लगा लूंगी कि आप खुद कितने लॉयल कितने सच्चे कितने अच्छे कितने खरे और आ, कितने प्यारे दिल रखने वाले हैं क्योंकि जो जितना प्यारा दिल रखेगा ना वो इतना प्यारा बोलेगा भी तो आप आ, बस इतनी आपसे हम चाहते हैं कि आप हमसे इसी तरह मोहब्बत के साथ बने रहें और जिंदगी जो है वो गुजरती रहे और बाकी हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं जी अगर कुछ पूछना हो और वज़ायफ़ के हवाले से आप पूछते हैं तो बहुत सारे वज़ायफ़ बताए हुए हैं आपको आप हमारे पुराने शोज कभी कभी दस मिनट पंद्रह मिनट जब वक्त निकले आप देख लिया करें ख़ास ख़ासतौर तो पर मेरे चैनल पर जो हम लाइव भी करते हैं मैं वहीं छोड़ देती हूँ सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ पर बहुत सारे अमल और वज़ायफ बताए हुए हैं तो आप कभी कभी वक्त मिले हम आने वाले दिनों में कोशिश तो करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम उसमें से जो भी वज़ायफ बताए हैं वो छोटे छोटे हम निकाल के और आपके लिए अलग वीडियो कर दें लेकिन क्योंकि क्योंकि अलहमद राजा हैदर और मैं अपनी पर्सनल लाइफ में हम इतने बिजी होते हैं कि हमारे लिए ज़रा मुमकिन नहीं होता आपने देख लिया हम तो डेली व्लॉग नहीं कर सकते डेली वीडियो नहीं कर सकते नहीं। डेली लाइव नहीं आ सकते <laughs> तो वो ज़रा मुश्किल हो, हो जाता है।, है लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सका आपके लिए आसानियाँ कर सके ज़रूर करेंगे जी जिंदगी एक दफ़ा मिलती है बड़ी तेज़ी से गुजर रही है और अगर हमारी वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई आसानी आती है तो क्यों नहीं हम जरूर करने की कोशिश करेंगे ठीक है बाकी परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता और हम इतने अच्छे हैं नहीं लेकिन कोशिश जरूर करेंगे कि आपके लिए कुछ भी अच्छा हो सका तो जरूर करेंगे ठीक हो गया जी सवाल तो आप <laughs> बस आपने घबराना नहीं है ये बस याद रखो पॉजिटिव रहना और घबराना नहीं है ठीक <laughs> हो गया आभी आभी और आँगे 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 चल जाएगा <laughs> किस घबराना है नहीं घबराना है नहीं घबराना चले जी मुझे इजाज़त दें मैं अब जाती हूँ और अगर शो के एंड में आई तो ठीक है वरना मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार अल्लाह हाफिज थैंक यू जी बहुत शुक्रिया मैम ने सबके बारे में बताया लेकिन मैम कौन है हम बताते हैं थैंक यू वेरी मच लेडीज़ जेंटलमैन बहुत शुक्रिया हमारे पास एक सुपर चैट पाउंड की आई है जकिया यू यू से इन्होंने भेजी है बहुत शुक्रिया सलामत रहिए अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे और बेहिसाब आपको दुनिया और आखिरत की नियमतें दे जितनी भी मुश्किलें रुकी पड़ी हैं अल्लाह ताली अपनी ख़ास करम नवाजी से सबको ख़त्म कर दे बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच और अब बारी है सजटटेरी सेजट का कलर हमने कर दिया चेंज क्योंकि येलो के साथ येलो लैम्प मेरे के साथ मिक्स हो रहा था तो मैंने कहा आपको प्रॉब्लम ना हो अच्छा पहली चीज़ ये याद रखना जितने भी लोग नवंबर ट्वेंटी सेकेंड से लेके दिसंबर ट्वेंटी सेकेंड तक कॉस वाले पैदा हुए हैं एक कॉस क़़ा के रंग आपकी ज़िंदगी में बिखेरने वाले ये जो पूरा वीक है इसमें आपको बड़े कम लोगों पर भरोसा करना है ये याद रखना कि ये पूरा जो वीक है इसको स्पिरिचुअली भी मैं बहुत हाई देख रहा हूँ ये आपको अपने अंदर की एक आवाज़ सुननी है जिसपे आपने भरोसा रखना है आपके इर्द गिर्द सिर्फ दो से तीन लोग ऐसे हैं जो आपके खैर ख्वाह हैं जिनकी कही हुई बात को आप आंखें बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हो अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो या आपकी फ़ैमिली बहुत बड़ी है तो फिर आप इस इस पूरे वीक में आप किसी बात सब की सकते हो लेकिन आप मान नहीं सकते हो वरना आपके लिए हो जाएगी प्रॉब्लम आप लोगों ने सिर्फ ये देखना है कि इस वक्त आप लोगों को जॉब करनी है ये बिज़नेस की तरफ आना मुझसे एडवाइस लोगे तो अगर आप लोगों के पास इनफ मनी है छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करने की तो फिर आपको बिज़नेस में जाना है क्योंकि इनकलाब दुनिया में अगर आते हैं आप अपने आप को अगर सेटल देखते हो तो वो कारोबार से होता है नौकरी से नहीं होता नौकरी अगर आपको लग रहा है कि इतनी तनख्वाह है कि हमारी ज़िंदगी गुजर सकती है तो ठीक है लेकिन आपको कहीं मेरे रब ने रोका नहीं है अभी आप लोग महदूद दिखाई दे रहे हो मुझे आप लोगों की जो परसेंटेज यहाँ अठारह या चार पर रुकी पड़ी है आपको तो कम से कम एट्टी एट्टी फाइव पे जाना चाहिए ना आपका सब्र जो है भी बहुत ज्यादा ही खैर कुछ हो गया लेकिन सजिटेरियस वालों आप लोग दूसरे लोगों की जिंदगियां बनाना जानते हो अब सिर्फ अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। या खुद गर्जी की बात हम नहीं कर रहे हम ये कह रहे हैं कि जहनी तौर पे इमोशनली आपको लोग जो ब्लैकमेल कर रहे हैं अपने साथ ज़बरदस्ती अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक इनविजिबल रोप्स के साथ चेंस के साथ बंधे हो आपके पास ताकत है लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो उन सब चीज़ों से छुटकारा पाना है आपको मुल्क से बाहर जाना है कि अगर कोशिश करने वाले हो कर रहे हो तो बहुत आसानी से आपका वीजा वीजा लग जाएगा और अगर आपने सबमिट करवाया हुआ है जमा करवाया हुआ है तो आपको जवाब आ जाएगा एक और बात कि अगर आप लोग तलाक वाली सिचुएशन पे हो या बीवी के बीच में फूट पड़ चुका है आलहदगी हो रही है तो ये समझ लो कि इस हफ्ते फारेग हो जाएगा ये सिलसिला यानी आपके दूसरी शादी या दूसरे रिलेशनशिप में फॉरन आपको जाने की जरूरत नहीं है फिलहाल इसको वाइंड अप करना अब आप मेरी एडवाइस लोगे कि जी एक एक्सपर्ट ओपिनियन हमें चाहिए तो आपको इस हफ्ते टिले में लेकर जाना है इसको क्योंकि आने वाले 21 दिनों में ये हालात फिर से साजगार हो जाएंगे तो ये दो आपके सामने चीजें हैं लेकिन वो एक होता है कि आपने तो बस डन कर दिया अपनी तरफ से फर्ज करें अगर आप कोई खातून है और मियाँ बहुत जालिम जाबिर मारना पीटना है तो फिर डेफिनेटली आपने एक एक्सपर्ट ओपिनियन पर भी गौर नहीं करना है आपने क्विट कर जाना है जान से ज़्यादा कोई अहम नहीं होता और ये जो वजूद के मालिक बन के सो कॉल्ड हजबैंड नाम के दरिंदे बैठे होते हैं आप उनको इतनी एक्सेसी मत दो कि वो आपके साथ ये कर सके वो लड़ाइयाँ कहाँ होती हैं कि बीवी जबान ज़्यादा चलाती है मर्द हाथ ज़्यादा चलाता है तो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लेकिन सोल्यूशन होते हैं ना जब आप लोग अच्छे मूड में होते हो तो तब आप इन चीज़ों पे अगर बातचीत करोगे शर्म किस चीज़ की जब लिबास हो तो फिर काहे की शर्म फिर बात करो डिस्कस करो ताकि वो मसले मसाइल ख़त्म हो लेकिन अगर आप किसी ऐसे जगह फंस चुके हो जो जंगली टाइप का आदमी है या बीवी है जंगली सब लोग ऐसे नहीं होते जो मुल्क से बाहर जाते हैं शादियाँ करके जिन औरतों के साथ और डंडा कहाँ रखती हैं आपको अंदाजा ही नहीं तो आप लोगों को खुद देख खुली फिजा में सांस लेना है आपको खुद अपने लिए एक रास्ता बनाना है देखो यहाँ पे स्ट्रेस लेवल नीचे जरूर आ रहा है लेकिन ये भी याद रखना है कि स्पिरिचुअली आप कहीं कहीं वीक दिखाई दे रहे हो जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं सजिटेरियस वाले तो आप लोगों को अपना इस चीज़ पे थोड़ी सी कार्रवाई करनी है जमीन बेचना चाहो खरीदना चाहो लैंड प्रॉपर्टी कुछ भी फायदा रहने वाला है गाड़ी में सेल फोन में किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देगी क्रिप्टो करेंसी थर्टी टू परसेंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है एंड गोल्ड में भी इतनी ही करनी है अब जो हम कह रहे हैं अंदरूनी आवाज़ को सुनना है ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगी यानी आपको जिस भी दिशा पर जाना है किस कंट्री किस आ, मुल्क का आपको इंतखा करना है उसकी मालूम आपको होनी चाहिए कि ये आपके लिए आया फ्यूचर में सही रहेगा या ये अभी जो करंट सिचुएशन है इसी पे अच्छा चल रहा है एजुकेशन हासिल करने वालों को स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस इस बार सेवेंटी फाइव परसेंट है बहुत बड़ी तादाद होती है आप किसी भी जगह पे किसी भी मुल्क में एडमिशन ले सकते हो याद रखना कि इंटरव्यू देने वाले जो जॉब के लिए किसी भी चीज़ का इंटरव्यू है चाहे वीजा इमिग्रेशन है आप लोगों को मैंटली प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि जो आप सोच रहे हो उसके ऑपोजिट सवाल आ सकते हैं इसलिए आपका ब्रेन बूस्ट अल्लाह ताला ने कर दिया है कि आपको शर्म महसूस ना हो गया यार ये नहीं होता ब्रेन बूस्ट में आप जो पढ़ोगे वो याद रहेगा और जो बचपन में किया वो सब भी याद आ जाएगा कोई आपकी खामियां गिनवाएगा जिससे आपका मिजाज खराब हो सकता है तो आप लोगों को थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा आप लोगों को अपनी स्किन और हेयर फॉल का जो भी एक सदमा सा है उसके लिए आपको किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना है मल्टी की जो कमी यहाँ पे 38 परसेंट तक दिखाई दे रही है उसको रेगुलर करना है एतमाद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आप पॉलिटिक्स में हो सोशल मीडिया मीडिया में हो या कोई भी ऐसा काम करते हो जहाँ पर आपको लगता है कि आपका नाम लेने वाले हों आप थोड़ा वीडियो वायरल हो जाए टाइप की चीज़ अगर आप चाह रहे हो तो ये हफ्ता आपको धोखाबाज लोगों से दूर रखेगा निजात दिलाएगा नए लोग जो आपको फायदा देने वाले हैं उनकी एक सही शनाख्त करवा के आपको आगे बढ़ाएगा तो ये हफ्ता आपके लिए उस हिसाब से भी अच्छा है लेकिन आप अपने आप को बहुत थका थका महसूस करोगे इस पूरे वीक में आप लोगों को ज़्यादा बहस मुबाशा नहीं करना है अपने आप के लिए दिन अगर निकालना है तो या वो फ्राइडे या संडे का ही निकालो क्योंकि खुशकस्मत तरीन लोगों में से हो गए क्योंकि डिप्रेशन मोड जो है वो सिर्फ टू परसेंट पर आ रुक जाएगा तो एक बड़ी बात होती है कि आप अपने आप को आपको क्या करना अच्छा लगता है आउटिंग होटलिंग खाना पीना बात करना फिल्म देखना कुछ भी तो वो आपको वो करना है किसी और की नहीं सुननी है ठीक है और यहाँ थोड़ा पैसा वसी करते हुए भी नज़र आ रहे हैं आप यानी उसका भी डिसीजन आपको लेना होगा कि किसके साथ मिलके आप कर रहे हो या सिंगल पोजीशन है आपकी कि आप, आप पैसे को बढ़ाने वाली उस सतह पे आ चुके हो हमारे लिए अगर देखा जाए तो इस पूरे वीक में आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है लेकिन सजिटेरियज से, से याद रखना कि वो हमारी बहनें जो अभी तक कंसीव नहीं कर पाएँ आप अपनी गायनी डॉक्टर से बात कर सकते हो क्योंकि इस हफ़्ते सारे के सारे डेज जो हैं वो कंसीव करने के लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन क्योंकि आ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता कि जी हमें राइट टाइम पे इलाज कब करवाना है तूल ना पकड़ जाए मसले ना हो जाएँ तो आपके लिए आसानियाँ हैं इसमें कोई मुश्किल दिखाई नहीं दे रही लव परसेंटेज देख रहे हो फिफ़्टी है इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा बेहतर होती है ये वाली परसेंटेज एंगर थर्टी सेवन है थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको रिलेशनशिप सेवेंटी नाइन है इसको और स्ट्रॉन्ग करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा मज़ा आएगा मनी फोर्टी एट है गुड डे गुड डे और हेल्थ एटी वन है थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो इसको भी रूहानियाँ चौदह परसेंट है कहााना कि कम थी वह आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग होते हो स्टडी एंड एजुकेशन फिफ्टी नाइन परसेंट है इसको भी देखना पड़ेगा आपको और लक आपका साथ देने वाली है फोर्टी फाइव परसेंट आप चाहते हो कि हंड्रेड परसेंट लक साथ दे तो फिर आपको पढ़नी है या वदूद हो या शहीद हो ये दोनों तस्बियाँ आपको पढ़नी होंगी खीर सत में दे सकते हो मीट विद द बोन्स जानवरों परिंदों या इंसानों को दे सकते हो पुराना जो कपड़ा है वो साफ़ सुथरी हालत में ड्राई क्लीन हुआ किसी को गरीब को देना चाहो तो वो भी दे सकते हो एंड कैश भी दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है येलो वाइट एंड रेड ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी बहुत सारी दुआएं सेजिटेरियस वालों के साथ हैं नाव वेलकम करते हैं कैप्रिकॉन वालों को यानी जितने भी हम बे जद्दी वाले हैं उन लोगों की ज़िंदगी कहाँ से कहाँ जाने वाली इस हफ्ते ये देखना होगा देखो आ, बहुत सारे लोग हैं शायद जिनको जद्दी वालों को दिसंबर ट्वेंटी थर्ड से लेके जैन नाइनटीन तक जितने भी लोग पैदा हुए उन्हें कैप्रिकॉन यानी जद्दी बोलते हैं बहुत मिक्स हो चुका है सब कुछ आ, हमारे कैप्रिकॉन वालों जिंदगी ने अब आपको तीन बड़े मौके दिए हैं यानी इस हफ्ते में ये जो शुरू हो रहा इसमें तीन बड़े टारगेट हैं आपके पास अपने आप की पर्सनालिटी को दुनिया के सामने मनवाने का आप लोगों के रिलेशनशिप फाइनलाइज करने का जिनकी शादियां नहीं हुई उन लोगों के लिए कि हाँ जी हमें यहाँ पे शादी करनी है फाइनल हो गया और तीसरा है आपको किसी एक डेस्टिनेशन पे जाके लॉन्ग टर्म रहना है यानी मकीम होना है लंबे अरसे के लिए रिहायश का इंतज़ाम करना है तो आपको ये तीनों मौके अल्लाह ताला देगा स्टार्ट करते हैं एजुकेशन से एजुकेशन का जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा निकल रहा है जो भी आप इम्तान देने जा रहे हो दिया है उसमें कामयाबियां हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहो तो बहुत आसानी से मिलेगा और स्कॉलरशिप के चांसेस भी 62 परसेंट तक दिखाई दे रहे हैं जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है पैसे की बात करते हैं अगर तो पैसा आपको दूसरे तरीकों से भी एक तो है ना जो आपकी ओन मनी है मेहनत कर रहे हो जॉब कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो और एक है जहाँ भी आपने ज़्यादा नहीं लगाया यानी एक का चार एक का पांच कहीं से आ गया लॉटरी निकल आई खानदानी पैसा मिल गया उस तरह की चीजें भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही लेकिन पैसा इज नॉट प्रॉब्लम फॉर यू ना आपका जो एक ब्रेन है उसको रिलैक्स होना है आपकी जो ब्रेन मशीन है वो सेवेंटी एट परसेंट तक एक्टिव है और ये सात साल से मुसलसल यही प्लानट एक जगह पे है अब आप सोचो जितने बाकी के ग्यारह प्लानट हैं उनके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेन एक्टिवेशन वो तीन सौ दिन का होता है और अब तक रहा आप अगर सात साल से मशीन वर्किंग में है उसको रिलैक्स नहीं मिल रहा तो ये वाली पोजीशन होती है जो कि आपको डिफरेंट बीमारियां देती हैं बेखाबी का शिकार आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं चल रहा होता है बोन्स के प्रॉब्लम है तीत के प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा एंड एंगर इशू भी बहुत ज्यादा रहता है ये फर्स्ट टाइम है हमारे जद्दी वालों के लिए ये बिल्कुल क्लीनिंग पोजीशन पे आएगा और आप रिलैक्स डीप स्लीप की तरफ जाओगे एटीन परसेंट पे आएगा सेवन ईयर्स के बाद ये बाल और ये कभी कभी सवाल अच्छा होता है कि हाँ जी वो टी वी में कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं बिल्कुल अच्छे नहीं होते दाग उनकी बातों में अच्छा कितने चवल के साथ चाय ऐसे गिरा रहे होते हैं सालन बेचने के लिए अपना वो वो हमारे तो मोहल्ले में तो इस टाइप की औरतें नहीं भाई ये कौन है कहां से मॉडल खेलाते करती है ना हो और इस टाइप के या फिर लोगों की फ्लैश जा, जा के साफ कर रही होती है हमारी अपना साफ ना होता है ना तो ये बहुत अच्छा बहुत सारी है कि हम लोग फैसला नहीं कर पा रहे कि हमें क्या क्या पिक करना है, क्या करना है, है। ऐसा होता है अब कैप्रिकॉन वालों आप लोग कुछ खतरात वाली जिंदगी से निकल चुके हो रिलैक्स पोजीशन पे हो अब आपकी ब्रेन मशीन जो काम करेगी वो दुनिया देखेगी नेम एंड फेम अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा लेकिन डिप्लोमेसी 86 परसेंट पे होनी चाहिए जो अभी ग्यारह इशारिया दो परसेंट है सो आप डिप्लोमेसी से काम नहीं ले रहा है आप स्ट्रांग हो आ, शोहरत दौलत वाले गेम में आप सबसे ऊपर रहोगे मीडिया सोशल मीडिया पे आपके नाम को सराहा जाएगा वो जो एनिमी लिस्ट हैं जिसमें जो लोग जैलस में हैं जादू टोना करने वाले हैं वो इस पूरे वीक में कुछ भी नहीं कर पाएंगे यानी अगर वो करते भी हैं तो आ, जो अंगाम नाम का सितारा वो उसको क्लीन करेगा यानी आप तक पहुँचेगा ही नहीं मैक्मम आधे सर का दर्द या बॉडी का जो पेन है वो स्लीप की सूरत में आपका वो ख़त्म हो जाएगा बस ये याद रखना कि अपनी जो बहुत सारी एक हल्का अहबाब आपने बनाया हुआ उसमें से कुछ ही लोग हैं जिन तक आपकी बात पहुंचे गुफ्तगु बहुत जरूरी है आपका खामोश रहना जरूरी नहीं है इस वक्त चाहे वो अपनों से है चाहे वो आपका रब से बातचीत है खामोशी रहेगी तो बहुत बुरे हाल पे पहुंच जाओगे जिद्दी वालों जबकि ये पहली बार है कि उन सेवन ईयर स्ट्रेस लेवल से निकल के आप अपने हदफ को पूरा करने वाले हो यहाँ से एक न्यू एक्टिविटी लाइफ की शुरू होगी आपकी एक बारो पर्सनैलिटी जो जो मतलब दुनिया मानती है कि अरे यार ये कैप्रिकॉन तो नहीं है कहीं वो वाली पर्सनालिटी एक बार फिर से सितारों की जबान में अगर हम कहें तो वो न्यू लुक के साथ दुनिया में आना शुरू हो जाएगी खुशगवार ताल्लुक अजदबाजी मोहब्बत का मामला है तो लव मैरिज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और एक बुरी जो चीज़ है वो लोग जिनके ताल्लुक रिलेशनशिप के हैं मोहब्बत के हैं वो अगर दो साल से ज़्यादा असर रखते हैं दो साल से ज़्यादा हो चुके हैं तो वो क्विट कर जाएंगे ख़त्म हो जाएंगे उनकी औकात का पता चल जाएगा जिसके बाद शायद आप ही बैक स्टैप ले लो देखो एक चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखना है एक्सपायरी मेडिसिन एंड फूड ये इस हफ्ते का हाईलाइट है और थर्सडे एंड सैटरडे ये दो दिन हैं जिसमें आपको खास तवज्जो देनी होगी बाकी आपके मामलाते जॉब स्विचिंग uh, वाला जो सिलसिला है वो हमने आपको बताया कि बहुत बेहतर है घर के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाने से गुरेज करना है आपने एक बजट होता है कि ये बजट है जी हमने वो करना है जो कि आप फ्यूचर में दिखाई दे रहे हो तंदुरुस्ती जहाँ पे अब तक नहीं थी आपको लग रहा था कि यार ये मेरे लिए सही नहीं था आप वो दोबारा से आप उस सतह पे आके अलेवन ईयर पीछे चले जाओगे यानी यंगर लुक वाले पर्सनालिटी पे आ जाओगे स्ट्रेस थोड़ा सा कम होते ही आपके जो जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं या उनकी शादियों की उम्र हो चुकी है वहां से कोई खुशखबरी मिल जाएगी आपको और ये आपके सब्र का इनाम है जद्दी वालों जो इतने बड़े पैमाने पे अल्लाह ताला आपको बार बार यहां तक लेकर आ रहा है तो पहली चीज तो ये है कैप्रिकॉन वालों की जिंदगी में लव कितना है तो सेवेंटी फोर परसेंट है जो बहुत स्ट्रॉग है एंगर थर्टी नाइन है अच्छा खासा है इसको कम कर दो बड़ा अच्छा है रिलेशनशिप एटी एट गुड मनी फिफ्टी सेवन परसेंट है एटी नाइन परसेंट मेरे प्यारो और जो रूहानियत है उन्नीस परसेंट है आप लोगों की यहां पर रहने वाले एजुकेशन स्टडी एंड एजुकेशन 63% परसेंट और यूं किस्मत आपका साथ देगी 57% परसेंट जो बहुत अच्छी होती है और यूं आपके लिए या वकील हो या मतीन हो ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं चौदह रोटियां कम से कम आप दे सकते हो गोट हेड दे सकते हो स्वीट्स दे सकते हो मीट मिठाई यानी चॉकलेट वगैरह एंड कैश भी दे सकते हो कलर पिंक ग्रीन डीप रेड ये आपके लिए बहुत सूटेबल है ही आप पहनोगे सबको चेंज हो जाएगा गुड लक हमारे कैप्रिकॉन के लिए और वेलकम करते हैं हमारे वो जो के हैं इक्वेरियस यानी सेकंड लास्ट स्टार हमारे इस वीक का जो आ रहे हैं एंड थैंक यू वेरी मच जितने लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया प्लीज़ लाइक को हिट कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर दो देखो एक बात यहाँ पे सारे मैसेजेस आ रहे हैं मैं एक दो मैसेजेस को देखता हूँ कि यहाँ से शुरू करते हैं आ, मुझे कर हैं। अभी कनाडा का वीजा रिजेक्ट हुआ है हमें अब दोबारा यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं कुछ बताएं ऐसा कैसे रूज जावेद उसके लिए तो प्राइवेट मीटिंग करनी है मैं को अंतरयामी थोड़ी हूँ कि आपने लिख दिया और मैंने बता दिया उसके लिए प्राइवेट मीटिंग करोगे स्क्रीन पर लिखा तो डॉटमेल डॉट कॉम समझ आ रही है आपको और आ, बाकी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अभी दुनिया में कुछ मुल्कों ने ज़्यादा हार्ड कर दिया जो हमें लग रहा है कि जी पाबंदियां ख़त्म हुई हैं वीजे धड़ाधड़ धर दे रहे हैं ऐसा नहीं है वो स्केल वीज़ाज अलग हैं वो आपको कितना मुश्किल तरीके से ट्रैप कर रहे हैं तो हर चीज़ के लिए हमारे प्रोग्राम आप देखते रहो हम आपको बताते रहेंगे ठीक है और मोहम्मद हैदर अली हंस रहे हैं हंसते रहें इसी तरह और क्या लिखा है जी आगे कैप्रिकॉन गर्ल 1992 इन्होंने पूरी आईडी बता दिया लोगों को कि मैं कौन से साल में पैदा हुई हूँ अब लोग जितनी बैंड बजा सकते हैं बजाएंगे मेरी एक नसीहत याद रखना जितने भी लोग देख रहे हैं जिनको थोड़ा जो न लें इस मामले में कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ चाहे वो ईयर है नाम के साथ है कुछ भी है आपने पिक्चर अपनी आईडी लगाई आंख लगाया कान लगाया ये किसी आमिल के पास चला गया तो नहीं जलसा खराब नहीं हुआ बढ़ बढ़ गया, गया गया इसको जाओगे आप आपको अंदाजा नहीं है ये भी बड़ा काउंट करता है जो बड़े शातिर आमिल है ना वो साल से भी उठा लेते हैं आजकल क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जैसे स्मोक मैजिक है मेडिसिन क्या जादू कोई दवाई आपको ला के देता है उस पर भी जादू है आप खाओगे तो आपके साथ में वो नमक चीनी वाला जमाना खत्म हो गया कॉस्मेटिक मैजिक है इसी तरह जो बड़े खतरनाक किस्म के पढ़े लिखे आमिल हैं जो दुनिया में रूल कर रहे हैं वो लोग आईपी एड्रेसेस को कॉपी कर करके आपके घरों के अंदर किस तरह से मौकलात को भेजते हैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे इन आपको बताएंगे कि अब आपको क्या करना जो बहुत बन रहे होते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं तो मेरी बहन बच्ची जो भी हो आईडी चेंज करो ये तो कैप्रिकॉन काफ़ी है आप तो पूरे ही दे दिए ना कैप्रिकॉन भी है सन कौन सा है तो ये भी ठीक है अच्छा जी लोगों को ऐसा मशवरा दें कि कैप्रिकॉन वाले अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकती क्या लोगों को ऐसा मशवरा दें हम कैप्रिकॉन पता नहीं लफ्ज ही नहीं समझ आया मुझे है ना कैप्रिकॉन तो बाकी प्लीज सर जी फॉलो करें अच्छा ये तो शाइ्ता नहीं लिखे शाइता अच्छी लड़की है और कैप्रिकॉन गर्ल हंस रही है अच्छा आयशा जी चलो जी फालतू के मैसेज है यकीन करो कोई काम दी गल नहीं लिखी मैं टाइम ज़ायर नहीं करूंगा और मैं दलो यानी वाले जो जनवरी ट्वेंटी से लेके फैब एटीन तक पैदा हुए और लोगों के जिंदगी के बारे में बता रहा हूं ये हफ्ता आप लोगों को दूसरे लोगों से बहुत मुनफरिद बनाने के लिए आ रहा है देखो जो भी एक नेगेटिव एनर्जीज़ आपके गिर थी चाहे वो मैजिक की वजह से हैं, वोडो की वजह से हैं, किसी भी चीज़ की वजह से हैं, इस पूरे हफ्ते में आपका कुछ भी नहीं बाल भी बांका नहीं होगा छुएगी भी नहीं आपको क्योंकि प्लानट एक्स 89 परसेंट तक आपको इस आर में ले लेगी और ये पहली दफ़ा है कि ये पूरा वीक आपका सेफ है इसमें आपको नींद भूख इस टाइप की चीजें तो होंगी लेकिन ये जो हल्के फुल्के पेन होते हैं अच्छा पेन की बहुत सारी वजूहत होती हैं ना हाँ सर में दर्द है किसी जादू कर दी जरूरी नहीं कि सर का दर्द जादू ही हो या तो खाना काफी देर से नहीं खाया ब्लड प्रेशर ज्यादा है कम है उसका मसला है नींद पूरी नहीं हो हजार वजुहत होती हैं तो आपने उन डाइट को उन चीज़ों को बैलेंस करना पूरी पूरी रात जागते रहोगे और पर कहो सर में भी दर्द है जी सुबह उठे तो आधे सर में दर्द दर्द तो होना ही है तो बॉडी की नीड को समझने की कोशिश करो वैसे क्वेरिस वाले कामयाब तरीन लोगों की फहरिस्त में शक मिल हो जाएंगे इस वीक से कम मेहनत में ज्यादा आ, आपको कामयाबी मिलेगी आप अगर मार्केट में हो आप चाहते हो कि आपकी जॉब चेंज हो जाए तो आपकी जॉब चेंज बड़ी आसानी से हो सकती है यानी किसी भी जगह अगर आप इंटरव्यू दोगे तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा शादी आपकी मनपसंद जगह पे हो सकती है लेकिन ये थोड़े से लव अफेयर चलने के बाद होगा यानी जिससे भी रिश्ता होगा ये बातचीत चल रही है थोड़ा सा वो चलना मैं आपको एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगा कि उसको तूल नहीं देना अगर आपको लग रहा है कि शादी है मोहब्बत है वो चल रही है वो एक अलग कहानी है कि वो आप जब भी मुनासिब समझें या वो मुनासिब समझे आप शादियां कर सकते हो लेकिन ये जो टूल देने वाला है कि पहले हम एक दूसरे को समझ लें वो मॉडर्न दौर है ना कि बच्चे का नाम जावेद है तो उन्होंने जो जी कह देता प्यार जो जी जो जी का रिश्ता है हमारे लिए अमेरिका में होता है पहले ब्रिटिश पासपोर्ट था उसके बाद अब अमेरिकन भी है जो जी तो जो जी आ गया जी पाकिस्तान अब जो जी आए बेटा करो, करो, हमारी बेटी है अंडरस्टैंडिंग के निकल के जी। जो जी मेरे तो पापा ने कहा जो जी मैं आए करो लेकिन अंडरस्टैंडिंग करो तुम्हारी शादी करनी अच्छा जो जी भी थोड़ा चिचड़ा वो है मर्द लेकिन है मर्द नहीं अल्लाह तुम्हें लिपस्टिक कितनी अच्छी लग रही है शाहिया वो जिससे शादी करना है उधी लिपस्टिक तो उसे ही मेकअप कर करके मार रहे हैं थोड़ा तो छिछड़ा टाइप तो वो जोजी है उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही पूरा महीना गुजर गया एक साल गुजर गया दो बच्चे हो गए अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो कौन सी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं मिट्टी जोजी पे अब आपका जो क्या है एक फेरी अब आपको वो करना है ब्रेन बूस्टिंग हो रही है स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप 100 परसेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है इम्तहान में कामयाबियाँ जिनकी सप्ली आ रही थी बहुत ज़्यादा वो लोग अगर दोबारा से अटैक करेंगे तो 100 परसेंट कामयाबी है वीज़ा इमिग्रेशन बहुत आसान है आप लोगों के यहाँ ट्विन की पैदाइश मुतव है आप अपने डॉक्टर से रबता कर सकते हो जल्दबाजी में कोई भी प्लॉट प्रॉपर्टी लैंड घर जमीन बेचनी नहीं है धोखा हो सकता है जब तक कि प्रॉपर पेपर वर्क आपके पास ना हो किसी लॉयर का आ, आप एक ओपिनियन भी ले सकते हो बैंक के मामला में से अगर आप कर्ज लेना चाहो तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कर्ज ये मामला जितने भी हैं और जो भी पेपर वर्क वाले मामला हैं चाहे टैक्स के हैं चाहे अदालती कार्रवाई बैंक के हैं ये आप लोग प्रयास से कर जाओगे ख्वाब बहुत आ, डीपली आपको अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई वाले आना शुरू हो जाएंगे अगर ना पता हो तो स्क्रीन पर लिखा है नाटमेल डॉट कॉम इस पर ई मेल करो मीटिंग करो और ख्वाबों की ताबीर आपको मिल जाएगी देखो एक पर्सनैलिटी का ग्रूम हमने कभी इतना नहीं देखा जितने क्यूरिस वाले इस वक्त आ रहे हैं आप निखरना शुरू हो जाओगे क्यों क्योंकि प्लानटैक्स सिक्सटीन फ्लोर के जितने भी स्टार्स हैं जो आपकी पर्सनालिटी को अभी तो मैं जवान हूं टाइप की चीज़ें डाल रहे होते हैं आप में एनर्जी भी आना शुरू होती है जो बहुत डल थे रोमांट रोमांटिक जो लास्ट के चार सितारे होते हैं ना ये मोहब्बत के लिए बड़े होते हैं सेजिटेरियस कैप्रिकॉर्न इक्वेरियस ये मोहब्बत की मिट्टी से बनाए जाते हैं लेकिन कहीं कहीं रोमांस जो है वो खत्म हो जाता है बाकी की नेगेटिव एनर्जी या काम काज के लोड की वजह से क्योंकि आपको एक तरफ चलना है तो फिर उसी तरफ चलना है एक बात ये याद रखना कि इस वक्त जो आपकी पोजीशन है वो बाकी साइंस से बहुत अलग है आप अपनी मुनफरद जगह बना सकते हो सच्चे दिल वाले आप लोगों के साथ जुड़ना शुरू हो जाए यही काफ़ी है आप लोगों की अदालतों में चलने वाले मुकदमों में विनिंग है रुकी हुई रकमों का मिल जाना ये दिखाई दे रहा है सेहत के मामला काफी हद तक अच्छे होंगे सबसे अच्छी चीज वो नजर नहीं लग रही जादू नहीं हो रहा और अगर आप शादीशुदा हैं और आप लोगों के कोई केसेस चल रहे हैं अदालत में कि जी तलाक देनी है फला होना है अख्तलाफ पैदा हो गए घरेलू माहौल में कशीदगी है तो वो भी खत्म हो जाएगा मतलब, मतलब खत्म वो केस ख़त्म हो जाएगा यानी तलाक नहीं होगी वो दोबारा से रीफ्रेश हो जाएगा बहुत सारे हिमायती जहाँ पे आपके हैं वहाँ पे कुछ एक शरपसंदिर आपको पिन करेंगे जिससे तल कलामी हो सकती है मंगल और हफ्ते वाले दिन बहुत एहतियात करनी है आप लोगों को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना है चाहे आप सर्जरी करा रहे हो बुटोक्स करा रहे हो वैक्स करवा रहे हो कुछ भी करवा रहे हो आपको अगर लगता है कि आपको थोड़ा अपने लिए टाइम देना है तो डेफिनेटली मंडे के बाद कोई भी दिन आप चुन लोगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा शहरत के दरवाजे खुलने वाले हैं इसलिए अपनी इस स्पीड को अब कम नहीं करना गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है हमारे प्यारे एक वेरी वालों गर्म लिबास है गर्म खाने हैं इनका इस्तेमाल आपको बहुत ज्यादा बेहतर कर देगा वरना मुश्किल हो सकती है तो आप लोग हो इक्वेरियस इसीलिए आप लोगों का लव नजर आ रहा है फिफ्टी वन परसेंट ये है ना मजेदार एंगर आपका आ रहा है थर्टी थ्री <coughs> रिलेशनशिप सेवेंटी सिक्स परसेंट आप लोगों के लिए मनी है फोर्टी एट परसेंट हेल्थ सेवेंटी सिक्स स्पिरिचुअलिटी सेवेंटीन परसेंट स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी नाइन परसेंट है अच्छी है बहुत अच्छी है और आप लोगों के लिए लक साथ दे रही है फोर्टी फोर परसेंट इस हिसाब से देखा जाए तो आपको ये तस्वीया पढ़नी है हंड्रेड परसेंट करने के लिए या माजिदो और या समदो बाजरा परिंदों को दे सकते हो तीन लोगों को खाना खिला सकते हो दाल माश अनकु हालत में सदके में दे सकते हो या कैश दे सकते हो या ब्लैक एंड ग्रे ये पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी दुआएं आपके साथ हैं और इक्वेरिस वाले जितने भी हैं वो किधर गए ये तो हमने कर दिया बंद और अब आ जाएंगे हमारे पास गुड लकवेरिस एंड वेलकम कहते हैं द लास्ट आरसी मुझे डरा दिया आपने ऐसे कुछ तरह निकालता है किसी का एक तो बगैर जूतों के घूमती हो जैसे नहीं घूम रही होती है हो। आएगा आएगा फिर आ गई आप ले कथा करें शो तो। बैठे आप और बात करें अभी कोई आके लिख रहे थे आप कुछ स्टार बताया करें शगल ना किया करें भाई <laughs> ये तुम्हारा चैनल नहीं है ये तुम्हारा शो है ये हमारा चैनल है 10000000 ओके हु आर यू ठीक है तो आप जाए आराम करें उन्होंने वर्थ लिखी, साथ में लिखा है तो मेरा बच्चा नाइनटी एट अभी आपकी तो एज ही कुछ नहीं है अभी तो स्ट्रगल के लिए लाइफ पड़ी हुई है अल्लाह पाक आसानियां करेगा अगर जॉब नहीं लग रही तंग दस्ती है तो आप उसके लिए मेहनत करो और दुआ किया करो और उसके अलावा आपको बताया हुआ है चिड़ियों को आप बाजरा खिलाओ परिंदों को दाना दिया करो अगर मछलियाँ कहीं करीब हैं उनको खाना खिला दिया करो उसके अलावा शेयरिंग एंड केयरिंग वाली आदत डालो कि अगर आपके पास कुछ भी है तो आप किसी भी अपने से कमतर जो भी है उनको जाके किसी को रोटी दे दी किसी की अगर कोई भी कुछ भी कर सकते हो जो भी आपके लिए, लिए आसानी है आप वो करो शेयरिंग एंड केयरिंग और उसके अलावा आपको बताया रिस्क का एहतराम बड़ा जरूरी है अगर आपके घर में आपकी माँ आपकी बहन नहीं एहतराम करती रात को गंदे बर्तन रख के सोती हैं तो आपने सख्ती करनी है कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए रात रात के बज को बर्तन धुलेंगे किचन साफ होगा बर्तनों को ढांप के आप सोएंगे फिर आप देखिए घर में रिस्क कैसे आता है फिर जो रिस्क है उसका एहतराम करना कितना जरूरी है हम ऊपर बैठे हैं या रिस्क नीचे है या रिस्क ऊपर है इन चीजों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है प्लीज प्लीज फिर आप देखें कैसे रिस्क आता है और हर जगह सीवी दो हर जगह दो अगर आपके पास डिग्री बड़ी भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप शुरू करो पहला स्टेप आप लो उसके बाद अल्लाह ताला देखना कामयाबियां कैसे आपके मुकद्दर में लिखता है मगर मेहनत हम करते नहीं है दूसरा ये भी होता है अपने अपना बड़ा गोल हाई रखी होती ये चीज के नहीं जी मेरे पास तो इतनी डिग्री है मैं ये वाली जॉब क्यों करूं आप छोटे से कुछ भी करना शुरू कर दो और उसके बाद आप देखो वक्त के साथ साथ आप ग्रो करोगे आगे बढ़ोगे जाओगे हिम्मत से बस काम लेना और घबराना नहीं है अभी तो 98 ज्यादा अरसा नहीं हुआ इंशाल्लाह सब बेहतर होगा और मेरा सबको यही कहना है जितनी भी लड़कियां लड़के जो भी पढ़ाई कर चुके हैं खत्म कर चुके हैं तो आप लोग आ, स्टार्ट छोटी मोटी जॉब से कर लिया करें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर घर से काम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं आप फ्री काम कर ले उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है आप किसी के साथ भी ज्वाइन हो जाए और उनके साथ आप जाके असिस्ट करना शुरू कर दें उससे भी आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और फिर जब आपके पास एक्सपीरियंस आता है तो फिर जॉब भी आ जाती है ठीक है ना बिल्कुल सही तो है। ये वाली सारी बातें थीं चलिए जी मैं चलती हूँ और काम ना मिले तो घर का काम भी कर लिया अकेले बंदा हाँ घर का भी कर, 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 कर सकता है जी और खबरदार किसी ने कहा कि पाइसेस के टाइम क्यों आती हैं ये जो भी अगर किसी ने लिखा ना तो माय फुट है और खबरदार है ना फुट है वजीफा भी है और ये जॉब नहीं लगती आपका वजीफा कर सकते हो मग़रब की नमाज में आप पढ़ सकते हो वो बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त है और आपको बताया हुआ याह्यो याकै मुबरहमत का अस्तों की तस्वीर किया करे वो बहुत अच्छी है और इसी तरह अस्त फिर अल्हमद जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपकी जिंदगी के बंद तालों की ये चाबी है हर ताला खुलेगा वो आपकी किस्मत नसीब का है आपके वीज़ों का है आपकी जॉब का है आपके रिश्तों का है आपके घर में अगर कोई परेशानी है उसका है हर चीज़ का है अल्हम्दुलिल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह और एक मेरी बहन कह रही थी कि जी मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देते तो मैं डिवोर्स ले रही हूं। तो मेरी बहन आपकी आपके हस्बैंड आपकी बाकी ख्वाहिशात तो पूरी करते हैं ना मुझे बताएँ सामने बैठे हैं पूछे कभी मुझे पॉकेट मनी दी है इन्होंने कभी कुछ कमाते हैं मेरे हाथ में ला के रखा है इन्होंने मगर क्योंकि ये मेरी हर ख्वाहिश को वैसे ही पूरा करते हैं तो फिर क्या लेना देना अगर वो अपने घर वालों को दे रहे हैं अपनी माँ को दे रहे हैं तो ठीक है उनका भी हक बनता है उनका फर्ज है वो जाके उनको भी दें अगर वो अच्छी लाइफ आपको दे रहे हैं तो फिर गिला शिकवा शिकायत मत करें आ, जब डिवोर्स ले लेते हैं ना और दूसरी जगह जाते हैं तो आपको नहीं पता कि दुनिया के कितने थप्पड़ खाने पड़ते हैं वहां बैठ के आपको रोटी नहीं मिलेगी आपका सगा भाई भी आपको बैठ के रोटी नहीं देगा आपकी भाभी आपको दस हजार बातें सुनाएगी दुनिया आपको बातें सुनाएगी अगर दूसरा मर्द जिंदगी में आ गया वो आपके बच्चों को कबूल नहीं करेगा वो आपको नहीं करेगा और क्या पता वो भी आपको पैसे दे ना दे तो क्या है तो अगर घर में छत मिल रही है आपको तहफुज मिला है पर्दा मिला है एहतराम मिला है ये सारी चीजें हैं तो फिर मैटर नहीं करता कि पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे ठीक है तो ये बातों को जरूर गौर किया करें आज की हर बच्ची को करनी चाहिए ओके अल्लाह हाफिज थैंक थाँग यू वेरी मच बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया थैंक यू अब ये क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है इसलिए आप जो भी सवाल लिख रहे हैं बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ वीकली हॉस्कोप का प्रोग्राम है उसके लिए आपको प्राइवेट मीटिंग करनी पड़ेगी ठीक है तो सबसे पहले पाइसेस वालों वेलकम कहते हैं नाइनटीन फैब से लेके मार्च ट्वेंटी तक जितने भी लोग पैदा हुए उनको कहते हैं हॉथ यानी पाइसेस वाले ये जो पूरा वीक है इसको नंबर दिया जाए कि ये सिर्फ सिल्वर है गोल्ड है प्लैटिनम है तो ये मिक्स है इन सब चीज़ों का इसमें कोई एक चीज़ नहीं है ये जो वीक शुरू होना है ये कहीं होप और खुशखबरियों से भरा हुआ है हेल्थ की इम्प्रूवमेंट इसमें दिखाई देगी आपको जितने भी लोग जितनी भी संगीन किस्म की बीमारियों में हैं हारमोन डिसेबल हैं आप लोगों के ब्लड फ्लो आ, जो ब्लड प्रेशर के हिसाब से कभी आप कभी डाउन चल रहा है शुगर की प्रॉब्लम है ये सब 18 परसेंट पर आ जाएगा यानी 48 से 18 बड़ी एक अचीवमेंट होती है इसलिए हेल्थ की आपको कोई ख़राबी नज़र नहीं आएगी इसमें आधे सर का दर्द या बॉडी का पेन या नींद की वो जो एक सूरत हाल होती है वो रहेगी आप लोगों के जादू सिफली इल्म पढ़ाई किसी ने भी जो भी करनी है ये उसके हिसाब से होगी और अगर आपका हिसार हो चुका परमानेंटली या आप करवाते रहते हो तो फिर आपको इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला आते हैं पैसे वैसे के सिलसिले में क्या आप लोगों का रुपया पैसा कैसा रहेगा फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग रहने वाले हो अगर हम ये देखें कि ये जी कितनी सारी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में अब वो उस जगह से हट जाएंगी जहां आपको जाना है तो फाइनेंस के इश्यूज ख़त्म होंगे नई जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होंगे कि आपने ए बी सी में से किस जॉब को चुनना है मुल्क के बाहर जाके रहने के लिए आप जो भी प्लानिंग कर सकते हो कर लो वीज़ा इमिग्रेशन की खुशखबरियाँ इन शह पाइस वालों को मिलने वाली हैं ज़ाहिर ये वीक फिर इसके बाद नेक्स्ट वीक तो कुछ ही दिनों के अंदर मैक्सिमम टाइम ऑफ जो नंबर आ रहा है वो एटीन आ रहा है यानी नौ अदद तो 18 दिन के अंदर अंदर आपको कोई एक बड़ी अचीवमेंट मिल जाएगी ये हफ्ता उससे लिंक करेगा आप लोगों के लिए दूसरे मुल्कों में जाना पढ़ना कोर्स करना ये बहुत आसान हो जाएगा लेकिन ये याद रखना कि कोई साजिशें हो रही हैं पाइसिस के खिलाफ यानी अंदर ही अंदर जिसका इल्म आपको नहीं होगा पुरस्ार तरीके से आपको डाउन करने के लिए डैमेज करने के लिए जहां आप जॉब करते हो वहां जहाँ पर रहते हो घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होता और वो इसलिए नहीं बताई जाती कि इनको पता होना ख़तरनाक हो जाएगा तो उसका रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है आपके सामने हर चीज़ परवरदिगार की तरफ से खुद ही आ जाएगी बिकॉज स्परिचुअली स्ट्रॉन्ग हो आपका जो एक वे है उसको पुकारने का उसकी तरफ जाने का वो एक बड़ा ज़बरदस्त है जिन पाइसिस वालों ने खुद को बांध के रखा है अपनी फीलिंग्स को अपनी मोहब्बत को अपनी उम्मीदों को उन लोगों के लिए यह हफ्ता बहुत साजगार रहने वाला है आप लोग अदालतों के मुकदमात हैं उसमें भी कामयाबी हासिल कर रहे हो कोई चीज सेल या बाय करने वाले हो तो वहां से भी अर्निंग आती हुई दिखाई दे रही है तो मेन जो चीज़ है आप लोगों के सफर वो ओपन हो रहे हैं जो कि काफी अरसे ऑन एंड ऑफ़ चल रहे थे सिर्फ चार ऐसे डेट्स थी जो आखिरी तारीखों की होती हैं फैब की उन लोगों के लिए सफ़र के मामला बहुत अच्छे थे लेकिन आप टोटली जितने भी लोग हैं हमारे पाइसिस वाले उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ख्वाबों के ज़रिए काफ़ी सारा परवरदिगार इस वीक भी आप लोगों को आगे ही देगा परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी कुछ नए मनसूबे नए लोगों के क्रिप्टो करेंसी एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आपको फ़ायदा देगी कुछ नया अगर काम किसी के साथ मिल शुरू करना चाह रहे हो तो सिर्फ उसका हिसाब लगवाना करना बिकॉज आपको पार्टनरशिप इस तरह सूट नहीं करती है जॉब वाला जो सिलसिला है वो तो ओके रहेगा जिन्होंने इम्तहान दिए हैं उनकी कामयाबियाँ हंड्रेड परसेंट दिखाई दे रही हैं स्कॉलरशिप की जिम्मेदारियां एक अलग चीज़ है लेकिन फैमिली में से कोई तकाजा कर सकता है किसी खास चीज़ का चाहे वो रुपए पैसे हैं चाहे वो कोई भी एक चीज़ है तो उसका बड़ा जवाब है बिग नो की सूरत में अगर आपने गैस किया तो वो बहुत मामलात खराब भी हो सकते हैं होता है नो करने पे ख़राब होते हैं लेकिन आपका येस करने पे ख़राब हो सकता है बिकॉज आपको आगे और भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना ये याद रखना कि इस वक्त स्किन डिजीज जितने भी पाइसिस वालों को है या हेयर फॉल का जो भी प्रॉब्लम है वो भी माइनस में चलना शुरू हो जाएगा हर चीज़ अपनी जगह पे क्लीन होना शुरू हो जाएगी आप लोग अगर कोई ऐसी ख्वाहिश रखते हो कि किसी एक मुल्क में लंबे अरसे के लिए जाके रहना है तो वो भी इसी महीने आपको पूरी की पूरी आपके सामने आना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये मंथ और ये वाला जो नवंबर का वीक है ये आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ सौंपेगा आप जो नॉर्मल अभी एक रूटीन देख रहे हो ना आराम वाली सुकून वाली थोड़ा सा स्ट्रेस है अब इसको तेज कर दो 80 परसेंट तो अहदा मिलना या किसी खास चीज़ की ताकत मिलने के बाद उसका एक्टिव होना ये आपकी दरीना ख्वाहिश तो पूरी कर देगा लेकिन आपको भी उधेड़ के रखेगा क्योंकि आपको प्लान बनाने बिकॉज आप झूठे लॉयद नहीं होते हो उस तरह के लेकिन डिप्लोमेसी भी नहीं आती है क्योंकि आपकी परसेंटेज ऑफ आप डिप्लोमेसी अगर हम देखें तो वो तो टोटल सिक्स परसेंट है में से जबकि जो कामयाब तरीन लोग होते हैं वो एट्टी फाइव परसेंट होते हैं तो अब क्या करना होता झूठ नहीं ऐड करना इसमें याद रखना डिप्लोमेसी अलग कहानी है उसकी एक लिस्ट अलग बनानी है आपने बिल्कुल हैंड टू माउथ के पहले ये हो जाए वो हो जाए वो उस वाली चीज से निकल आना लव मैरिजेज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे जो भी रिलेशनशिप है मियाँ बीवी का महबूब का वो बहुत स्ट्रॉली uh, आपको अपने हिसार में लेगा तो इसका मतलब कि मुखालफिन जितनी भी सरगर्मियां कर रहे हैं वो एक साइड पे हो जाएगी आपके उस रिलेशनशिप को जितना हम स्ट्रोंग देख रहे हैं तलाक वलाक के चांसेस इसमें बिल्कुल भी आ नहीं रहे हाँ मियाँ बीवी के बीच में वो जो एक टू मैं मैं चल रही है उसका हल निकल आएगा बुद्ध को तो बुद्ध से आपके लिए और ज्यादा आसानियाँ होती हुई नजर आ रही है अगर कोई इंटरव्यू होता है कोई पेपर सबमिट करा रहे हो जॉब वगैरह के लिए किसी भी चीज़ के लिए तो आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ दिखाई दे रही हैं और हम भी दिल से दुआ करते हैं कि जी आपके लिए ये वाले मामला आसान हो जाए अगर आप इलाज मुआवजे से परेशान हो कि डॉक्टर के पास नहीं जाना है कहीं तूल ना पकड़ ली ये चीज़ें तो आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बहुत आसान रहने वाला है ये सब कुछ ठीक है अभी थोड़ी परसेंटेज आपको बताते हैं क्योंकि के, ये वालों के लिए ये बहुत हैवी नंबर है लव का सेवेंटी नाइन परसेंट ये बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्योंकि एंगर ने इनको अपने हिसार में लिया हुआ है 38 परसेंट इसको कम करना पड़ेगा रिलेशनशिप माशाल्लाह 87 है स्ट्रॉन्ग है बहुत अच्छा है इसी तरह मनी 43 परसेंट है जो अर्निंग तो है और ये सॉलिड वाली है हेल्थ 84 परसेंट रहेगी शुक्र है बहुत अच्छा रहने वाला है आप लोगों के लिए स्परिशुअलिटी रूहानियत तो उन्नीस परसेंट है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करोगे तो और रब के करीब हो जाओगे स्टडी एंड एजुकेशन सिक्सटी है और यूँ किस्मत आपका साथ देगी फिफ्टी एट करना चाह रहे हो तो आप लोगों को ये पढ़ना है या बात या नू ये दोनों तस्वीया आपको एक एक तस्वीर पढ़नी है ब्राउन शुगर सदके में दे दो सात मौसमी फल दे दो दूध खुला या पैकेट वाला दे दूँ या कैश हजब तोफीक जितना भी है वो भी दे सकते हो कलर ऑफ द वीक है वाइट दी पिंक एंड स्काई ब्लू ये वो हैं जो आप पहनोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारी बहुत सारी दुआएं पाइसिस बालों के साथ और ये था आज का हमारा प्रोग्राम ना ना करते हुए भी हम लोगों ने वो बीच में कुछ भी नहीं ऐड किया फिर भी हमारा ये बातचीत का सिलसिला ज़्यादा हो गया थोड़ी सेहत अच्छी होती तो मैं इसको और ज़्यादा निखार देता आप लोगों के लिए लेकिन हमने टू द स्टार्स को रखा है खुश रहिए आबाद रही, है। रही है सांसुने की वफा तो बहुत जल्द आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार और पामाने खुदा